हरि ओम स्वामी नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम स्वामी नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम स्वामी नारायणा, हरि ओम स्वामी नारायणा। नारायण बोलो स्वामी नारायण बोलो, 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 नारायण बोलो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण बोलो, नारायण बोलो 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 स्वामी नारायण बोलो। सजानंद स्वामी महाराज की जय। हेलो हेलो हेलो, आनंदने हेले हरे मुख जोईने हूँ थई छोरे गेली, आज सखी आनंदने हेले हरे मुख जोईने हूँ थई छोरे गेली, हरे हरे मुनि ना ध्यान मनावे तेरे सामडियो जी मुझने बोलावे, महारे मुनि ना ध्यान मनावे तेरे सामडियो जी मुझने बोलावे, सुखने बाबा ब्रह्मा रे छे
ઉષા મળીઓ જી મુજને રે પીછે રે નાહ ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી નાહ ગઈ ગંગા ગોદાવરી કાશી ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી સ્વામી સહેજ રે મળ્યા હે રામ કહે સ્વામી સહેજ રે મળ્યા વાતની વાતે વાલો અડળ કટડિયા વાતની વાતે વાલો અડળ કટડિયા આજ સખી આનંદ ગજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. અમારે બેજ પરમ પૂજ્ય ગુરુજી ભરતભાઈ સાકરદા વાલે નિષ્કામ જીવન ગુરુજી એવમ સંતો અભી મંચસ્થ હોંગે, મેં સબકા સ્વાગત કરતા હું મંચ પે. સબ તાલીઓ કે સાથ ગુરુજી એવમ ભરતભાઈ વશીભાઈ કા સ્વાગત કરતે હૈ.
मेरा इंट्रो होते ही तो बोलेगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अब जब ही सब संतों मंचस्थ हो ही चुके हैं तो हम सभा की शुरुआत करेंगे। कुछ थोड़ी देर पहले ही जब मैं और संकेत भाई नीचे उतर रहे थे और हमने शेरवानी पहन रखी थी तो किसी ने हमको देख के बोला कि आज क्या है ऐसा जो शेरवानी पहन रहे हो। तो हमने कहा कि हमारे गुरुजनों का जन्मदिन कुछ दिवाली और दशहरा से तो कम नहीं है, तो आज इस उत्सव में हम सभी का स्वागत करते हैं और सभा की शुरुआत करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज ने जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुरुहरि शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज नी जय। काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेल्डी, शताब्दी महोत्सव नी। स्वामी ने बातों में प्रकरण पहले की पहली बात में कहा है कि महाराज तो पोतानु अक्षरधाम समग्र ऐश्वर्य ने पार्षद लईने पधार्या छे, एवा ने एवा ज छे। ऐसे ही अक्षरधाम से पधारे हुए हमारे वशी परम पूज्य वशी भाई का आज हम 63वां प्रागट्य दिन मना रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसा इतना बड़ा दिन हमें मनाने के लिए मिला है, तो इससे बड़ा दिन हमारे जीवन में और क्या होगा। पृथ्वी पे आके सत्संग करके और सारी जो कथा वार्ता है उसका सार एक ही चीज़ है कि भगवान अने भगवान ना भक्तों ना गुण गावा, ए सिवाय बीजू करवामां कहीं माल नथी, एवं भगवान स्वामीनारायणना एवं अनादि मूल अक्षरमूर्ति गुणाध्यान स्वामीए कह्युं छे। तो ऐसे आज गुणानुवाद करने का दिन है, आज हमारा दिवाली और दशहरे का दिन है, तो आज का जो ये दिन हमने सोचा है कि हम भरत भाई और वशी भाई के, और स्पेशली जो वशी भाई का जन्मदिन है तो उनके जितने भी गुण हैं उन गुणों का यहाँ पे तो हम संक्षिप्त में बताएंगे ही कि वो क्या क्या गुण है, पर उस गुणों को आदर्श लेके हमने शताब्दी महोत्सव मनाना है। तो शताब्दी महोत्सव मनाने के लिए उन गुणों का आदर्श लेके हमें आगे चलना है। तो हम सभा की शुरुआत करते समय ही सबसे पहला गुण जो योगी जी महाराज को बहुत पसंद था, योगी जी महाराज कहते थे कि सूरतपणू हशे तो जबरा गुणों आवशे, माटे सूरतपणू राखू। सूरतपणू मतलब क्या? सूरतपणू एटले एकबीजानी क्रिया समथी करी लेवी, सेवा करी लेवी। ऐसा वशीभाई का जीवन तादृश है, हमारी आंखों के सामने वशीभाई, भरत भाई और सब पवई मंडल के योगेश्वर भाइयों हैं। आज भी आप कोई भी संस्था में या फिर हमारी कोई भी YDS की ब्रांच में हो जाए या कहीं पर भी जाएँ तो आपको ऐसा नहीं सुनेंगे कि वशीभाई अकेले, कोई ऐसे ही बोलेगा कि भरत वशी और पवई मंडल। तो जिसके नाम में ही इतना सूरत भाव है या फिर पवई के भाइयों में ही इतना सूरत भाव है तो वो एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि आज भी लोग ऐसा नहीं बोलते वशी भाई, आज बोलते हैं भरत भाई वशी भाई। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि अक्षर और पुरुषोत्तम की उपासना, वैसे ये हमारी सूरत की उपासना है। तो वैसे ही सूरत भाव का जो गुणानुवाद हम करना चाहते हैं तो हम शुरुआत करेंगे हमारे उत्साही युवक सागर भाई भिवंडी वाला, जो हमारे सैटरडे सभा के रेगुलर मेंबर हैं और प्रोफेशनली सीमेंस कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज वो वशी भाई के जीवन पे उनके जो प्रसंग हैं वो हमें सबको सुनाए और उनका गुणानुवाद करें। और सभी वक्ताओं से मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो अपना वक्तव्य थोड़ा सीमित रखें, क्योंकि हम सबको लाभ लेना है, सबको खूब ही आनंद करना है और ये जो मौका आया है वशी भाई के जन्मदिन का वो हम सब ने सही तरह से लूट लेना है। सज्जन स्वामी महाराज की सुने। सज्जन स्वामी महाराज की जय। थैंक यू पीयूष भाई। अधिक मास चल रहा है और हम गुणाधन स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे वशी भाई का बर्थडे भी है। इफ़ वी सी जो हमने स्टार्टिंग में सुना है गुणाध्यान स्वामी के बारे में, उनका जीवन जो है इट इज़ अराउंड वातो विचरण और वर्तन। उनकी जो वातो है, जो बातें वो करते हैं महाराज के बारे में, जो विचरण जो जहाँ जहाँ वो गए महाराज की बातें करने के लिए, और उनका वर्तन, उसी तरह हम अगर देखने जाए तो गुणाध्यान स्वामी की लाइफ जीवन और वशी भाई का जीवन इट्स गोइंग अ सेम वे। इफ़ यू सी इट्स अ वी वातो
विचरण और वर्तन एंड वी फॉर वशीबाई हाउ इट इज. सो उसका रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं कहने चाहूँगा तो उनकी अमेरिका का विचरण यात्रा, उसमें उन्होंने अराउंड अराउंड 20 डेज 20 दिन में 35,000 किलोमीटर्स ट्रैवल किया सभी भक्तों को मिलने के लिए. उसमें उन्होंने इन दैट अराउंड 23 महापूजा, दैट इज आई थिंक मोर देन दैट एवरी डे महापूजा, इट वॉज मोर देन वन महापूजा डे, एंड मोर देन 500 भक्तों को मिलना, उनके घर पे पधरामनी करना. सो दिस इज और सेम रिलेशन विद जो गुणाधन स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ते वी कैन बी लिंक्ड विद वशीबाई जीवन. सेम वे अगर हम वर्तन की बात करें, सो वशीबाई जब दिल्ली में थे एंड वी ऑल्सो केम टू नो, तभी वशीबाई के पापा धाम में गए वो मैसेज आया था. इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी वशीबाई जब प्रवचन कर रहे थे उनका एक ही ये था कि मुझे 100 गुणातीत भावना वाले भक्तों बनाने हैं. सो यू कैन थिंक इस लेवल वो ये सिचुएशन में भी ये बातें कर रहे थे तो कहाँ पर है वो. सेम वे ये सब स्पिरिचुअलिटी, इफ वी गो हम अगर वशीबाई को देखते हैं, अगर कोई नया वशीबाई को देखता है तो ही विल नॉट बी एबल टू गेस ये साधु है, पर हमको पता है वो कैसे है. ही इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल. वो सुबह ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस का काम खत्म करते हैं, फिर मंदिर आते हैं, हरि भक्तों को मिलते हैं, महापूजा के लिए जाते हैं, पधरामनी करते हैं. सेम वे कुछ दिन पहले वो कंडला में थे, कंडला का ऑफिस का काम खत्म करके यहाँ पे प्रवचन, अगेन नेक्स्ट डे की तैयारी. ये सो मच ऑफ एनर्जी मेरे लिए. जब भी मैं कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम हो और मैं थक गया हूँ, आई जस्ट थिंक ऑफ वशीबाई. एट दिस एज इफ वशीबाई कैन डू इट देन वाई नॉट आई. इसी तरह हम सब ने सोचना चाहिए, इनके पास इतनी एनर्जी है ये एज पे तो वाई कैंट वी. एंड आई थिंक आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी एट वशीबाई, एंड फॉर दैट ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. अगर सैटरडे सभा की बात करें तो वशीबाई हमें नॉट इवन स्पिरिचुअली प्रैक्टिकली, स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली ग्रूम्स अस इन दैट वे कि बाहर की जो दुनिया है वो हमें कैसे फेस करनी है. मैं कुछ दिन पहले एक सोशल इनिशिएटिव है ग्रीन बत्ती, उसके थ्रू गवर्नर ऑफ इंडिया रघुराम राजन वो हम लोग को मेंटर कर रहे थे. तो मेंटरिंग सेशन में वो हम यूथ्स को बता रहे थे व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया जस्ट नाउ, इकोनॉमिकल कंडीशंस, और वो सुनते सुनते और वेर आर वी स्टैंडिंग जस्ट नाउ, एंड यूथ पावर इज इन इंडिया जस्ट नाउ एंड वी आर द स्ट्रांगेस्ट इन वर्ल्ड. सो सीम मैं उनको सुन रहा था और मुझे रिकलेक्ट हो रहा था ये सब बातें मैंने कहीं पर सुनी है. तो ये सब बातें कुछ दिन पहले सैटरडे सभा में वशीबाई ने हमें बताई थी, जो रघुराम राजन वहाँ पे मेंटरिंग में बता रहा है. सो दिस इज हाउ इट इज, वी आर नॉट एबल टू गेस इट व्हाट पर्सन इज विथ अस, हु इज ट्रेनिंग अस. सैटरडे सभा में हम वो सब चीज़ सुनते बट हम राइट टाइम पे राइट चीज़ पकड़ नहीं पाते, और जब वो चीज़ का महत्व रहता है तब तक हम ये कर देते हैं. सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव गॉट. सेम वे अगर मैं मेरा पर्सनल दिस एक्सपीरियंस इज, हम कहते हैं कि गुरु भगवान का स्वरूप है, इट इज़ रियली वेरी फैक्ट. आज तक मैंने वशीबाई के साथ पास कुछ भी डायरेक्टली मांगा नहीं कि मेरा ये ज़रूरत है, मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ सॉल्व दिस दैट, नथिंग लाइक दैट. आई हैव डायरेक्टली गॉन टू गॉड, अब वहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ. और आई डोंट नो हाउ इन लास्ट 10-15 ईयर्स वॉट एवर एक्सपीरियंस इज माई, वशीबाई सामने से बात करके मुझे बताते बेटा ऐसा है क्या करना है बोलो अभी. सो देर इज़ सम एग्रीमेंट, आई डोंट नो, मैं भगवान के पद ऊपर एप्लीकेशन रखता हूँ, एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है. सो देर इज़ अ कनेक्शन, और ये दिस प्रूव्स कि गुरु भगवान का स्वरूप है एंड ही नोज एवरीथिंग. हम जो प्रार्थना भगवान को करते हैं वो हमारा काम यहाँ पे इनके थ्रू करवाते हैं. आज हम इतने दिन से हम बंधु बिल्ली महोत्सव के बारे में बात कर रहे हैं एंड टूडे वी आर गोइंग टू टेक ओथ ऑन दैट, संकल्प करने वाले हैं. आज हमारे गुरु चाहते हैं कि और उन्होंने हमने इतने सारे समयाँ देखे एंड ही इज़ गिविंग अस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे ऑन यूथ कि ये जो समय इज इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ अ रियली वेरी बिग थिंग. सेंटेनरी बनाना इज लाइक यू नो इट इज़ एज बिग एज ACBC ऑफ क्राइस्ट, इट इज़ अ चेंज इन टाइम टोटली एंड वी आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. और आज हम संकल्प लेने वाले हैं, हम यूथ संकल्प लेने वाले हैं कि हम तन मन धन से
वो सेवा कर पाए और वो जैसे चाहते हैं वैसे हम बंधु बेली महोत्सव मना पाए। और हम गुरु के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो जैसे चाहते हैं वैसे ही हम करें, और आई एम डैम श्योर कि हम सब उसी वो चाहते हैं वैसे ही करेंगे और हम सबसे वो चीज़ हो। सजानंद स्वामी महाराज की जय। थैंक यू। जीवन के बहुत ही अहम प्रसंग हमें सुनाए। सोने पे सुहागा, आज ऐसे गुरु दिल्ली से पधारे हुए परम पूज्य गुरु जी, साकरदा से परम पूज्य निष्काम स्वामी जी पधारे हैं, बड़ौदा से, औरंगाबाद से, वापी से और अहमदाबाद से पधारे रमेश भाई पंड्या, हम सभी का स्वागत करते हैं। और गुरु जी के साथ दीदी और सभी मंडल आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच आए हुए हैं। सभा का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए गुण की बात करें तो स्वामिनी की बातों में संतों के 39 कल्याणकारी गुण ऐसे बताए हैं। ऐसे सारे गुण में गुण तो वशीभाई में है ही, बस उसमें से कुछ चुनिंदे गुण जो हम अपने जीवन में वशीभाई भरत भाई यहाँ जो सब मंचस्थ स्वरूपों है वो तो फॉलो करते ही है, उनके जीवन में तो ये सब कुछ है ही, बस ये हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत लाए। उसके लिए मैं एक निष्ठा का ऐसा एक प्रसंग बताता हूँ। 2 साल पहले मुझे किडनी की स्टोन हुआ था, मैंने डॉक्टर को बताया था तो डॉक्टर ने कहा था कि 11 mm का स्टोन है, डायरेक्ट टूटेगा नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने का मुझे डेट मिल गया, सब कुछ हो गया। डेट होने के बाद मैंने वशी भाई को बताया कि डॉक्टर ने मुझे ये डेट दिया है ऑपरेशन के लिए। वशी भाई ने भगवान को कितनी निष्ठा रखी होंगी, कितना उन्होंने अंदर महाराज को काका जी को किया होगा कि एकदम से उन्होंने ऐसा बोल दिए तुझे ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 दिन नारियल पानी में नींबू पानी डाल के पी, 3रे दिन अगर तेरा स्टोन नहीं निकला तो मुझे आकर बताना। आप मानो या ना मानो मैंने 3 दिन वो पिया, 3रे दिन मेरा 6 नारियल तो पीने का बाकी ही था, मैं ऑफिस में ही था, मेरा 11 mm का स्टोन अपने आप ही निकल गया। ये डॉक्टर को बाद में बताया तो उसको भी ऐसा लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, पर हमने तो कहा नहीं ये हमारे गुरु के वचन से, मतलब वशी भाई को कैसी निष्ठा होगी कि उन्होंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया, ये तो कोई निष्ठावान जिगर वाला ऐसे कोई हो वही ये सब बता सकते हैं। तो आज मैं हमारे दूसरे युवक पीयूष भाई ठक्कर से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराए। जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थ माई फरिया, रामानंद मण्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करिया, मोटा दामर चारया गढ़पुरे बे देश गादी करी, अंतर ध्यान थया नथी हरि तमे गुणातिते छो प्रगट, जेनी अमृत वाणी तो वैरे साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्रह्म स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सौनाश्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हयूं तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज नि जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नि जय, शास्त्री जी महाराज नि जय, योगी जी महाराज नि जय, काका जी महाराज नि जय, पप्पा जी महाराज नि जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज नि जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नि जय, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी, शताब्दी महोत्सव नि जय जय जय। खूब मंगलकारी दिव्य वातावरण में आज हम सबके प्यारे प्राणाधार समा पूज्य वशी भाई का हम 63वां प्रागट्य दिन मनाने जा रहे हैं। सभी के अंतर के अंदर एक कोक अलग उमंग दिख रहा है। वसी भाई के जीवन की बात करें तो स्पेशली काका जी के अंतर ध्यान होने के बाद जब शिविर की शुरुआत हुई जिसके पार्ट हम लोग थे, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, तब से हम लोग ने भरत भाई वसी भाई की उंगली पकड़ के आज तक यहाँ पर चले। भरत भाई वसी भाई एक्चुअली फॉर्म क्या है वो जब शिविर की शुरुआत हुई वहाँ से हम लोग ने उन्हें पहचानना या उनके साथ का संबंध जो है वो वहाँ से शुरू हुआ।
जैसे जैसे शिविर समय वहाँ से जो अटेंड करते गए तो एक दूसरे के साथ मैत्री भाव, सूरत भाव, एक दूसरे का कैसे गमाड़ना, कैसे सबके साथ मिलजुल कर सेवा करनी, ये सब इन्होंने हमें उस शिविर समय से वहाँ से सिखाया। लाइक 1987-88 से हम लोग ने वो शुरुआत करी थी और उसी शिविर या उसी समय से उन्होंने वंदन विराट जो आज अमेरिका में है वहाँ से लेकर आज कर दर्शन भाई लाड तक जो किसी ने उनके लिए जो इंटरेस्ट लिया होगा तो वो वसी भाई है। आप क्या करते हो एक एक सेकंड का वो हिसाब पूछते हैं, ये किया ये नहीं किया, कौन सी लाइन लेनी है, क्या करना है, वो इंटरेस्ट लेते हैं। रात रात भर जागकर उनके लिए ये भजन करते हैं। पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे का जितना हम लोग केयर नहीं करते उतना ये करते हैं। अभी हमने तो बहुत बार कैसे बोला भी था, कोई आता है वसी भाई मुझे मोशन हो गया, अरे भाई डॉक्टर के पास जाओ, ये कोई डॉक्टर नहीं है, इनको बात भी वो पूछो कि आध्यात्मिक लेवल की उनको बात पूछो। हम लोग को ये वसी भाई बोलते हैं, हम लोग को मोटा पुरुषों के पास क्या मांगना है, क्या पुटअप करना है, वो हमको मालूम ही नहीं है। हमारी वो कक्षा कब हम उस कक्षा पे आएंगे कि इनके साथ हमको क्या बात करनी है, क्या पूछना है, इनकी मर्जी क्या है, वो हम कब जानेंगे। और जैसे भरत भाई ने पारायण में 2-3 दिन पहले भी बताया कि जैसे वसी भाई की माँ पूजा में सभी स्वरूप आ जाते हैं, उनकी माँ पूजा सुन के, उनकी माँ पूजा देख के स्वरूपों के आँख में पानी आ जाता है। वो माँ पूजा की आज्ञा उनको काका जी ने करी थी। और युवकों के लिए जैसे आगे भी बताया गया कि युवक चाहे वो पढ़ाई के लिए हुए या पढ़ के उसने डिग्री ली है और उसके पास जॉब नहीं है तो वसी भाई बोलेंगे टेंशन मत लेना बेटा, तेरे को जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन सत्संग और सैटरडे की सभा को कभी भी मिस मत करना, ये कायम रखना, तेरा काम भगवान करेंगे। और हम सबको मालूम है कि ऐसे जिस ने भी ये किया है उसके लिए कोई ना कोई फॉर्म में चमत्कार हुआ ही है। उसके लिए हमें किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मुझे याद है कि हम लोग ने योगेश्वर हीरक महोत्सव जब भी कंप्लीट किया था तो वसी भाई ने उस वक्त कहा था, किसी ने कहा बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, वसी भाई ने कहा आप लोग को सिर्फ 32-33% ही मार्क मिले, 2% हमने ग्रेस दिए है। आप ऐसे मत समझना कि आप लोग ने 90-95% लिए है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब अब सागर भाई ने कहा या हम सब भी यही सोच रहे हैं कि ये लोग का अभी अंतर की इच्छा ये है कि हम लोग काका जी पप्पा जी शताब्दी की ओर जब जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, तो हम लोग को सबको जैसे सागर भाई ने बोला अब हम सबकी पर्सनल जवाबदारी बढ़ जाती है कि हम लोग को क्या करना है। इन लोग को बोलने का तो बोलेंगे वसी भाई आप बोलो वो करना है, लेकिन उससे भी आगे ये है कि आप आँख बंद करो, प्रार्थना करो और इनमें से क्या आता है वो हम सबको समझने की अब ज़रूरत है। अब जब नहीं समझेंगे तो वो बोलते नॉट नाउ देन व्हेन, देन नॉट इफ नॉट वी देन हु, जो अब हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए इससे कम नसीब घटना और कोई नहीं होगी। तो आज के इस मंगलकारी अवसर पर मैं सभी गुणातीत स्वरूपों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का वो दिन है जब आपको हमको आशीर्वाद देने ही पड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें हमारा सर भी कटवाना पड़े तो हमको मंजूर है, लेकिन काका जी पप्पा जी शताब्दी में आप जो कहेंगे वो हम करेंगे ही, ये 100-150% का हम प्रॉमिस करते हैं। और आप हम सबको ऐसे आशीर्वाद देना, आप श्योर आशीर्वाद देंगे ही। आज के इस शुभ मंगलकारी दिन पे अगर कुछ ज़्यादा कह गया होगा तो माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी हम सब युवकों की ओर से एक प्रार्थना भी करता हूँ। अंतरनी प्रसन्नता कई सस्ती नती, बजारे के हाटे मड़ती नती,
मरता सीखे ने जे जीवता मरे निराकार थईने सदा राख रहे धरे मंजे चरणे अमन दास तई रस बस बने जे सुरद भाव रही एवा पात्र गढ़वा तू अविरत श्रमे प्रार्थु विरल दृष्टि मम पर डड़े ए मम पर डड़े ए जोगी हृदय ना तू जंगम जिगर हमारा जीवन ना ओ शिल्पी अमर ओ शिल्पी अमर। सहजान स्वामी महाराज। धन्यवाद पीयूष भाई। मैं परम पूज्य वशी भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे महाराज और काका जी की मूर्ति को हार अर्पण करें। परम पूज्य गुरुजी को हार अर्पण करें। राजूभाई ठक्कर से प्रार्थना है कि वे परम पूज्य निष्काम जीवन स्वामी को हार अर्पण करें। परम भक्त गिरीश भाई से प्रार्थना है कि वे परम पूज्य भरत भाई को हार से स्वागत करें। गिरीश भाई वशी भाई का हार अर्पण करें। कर पाऊं तुम्हें राजी तुम हो अंतर्यामी हो कर मैं जीऊं तेरा काका इतना कर दो हो कर मैं जीऊं तेरा काका इतना कर दो ओ काका मेरी भक्ति। पूज्य गिरीश भाई से प्रार्थना है कि भरत भाई को हार अर्पण करें। सर कर दो पूज्य अश्विन भाई से प्रार्थना है कि वे ब्रह्मानंद स्वामी को हार अर्पण करें। डॉक्टर मर्चन से प्रार्थना है कि वे जाधव जी भाई को स्वागत करें। जयूबेन से प्रार्थना है कि वे परम पूज्य आनंदी दीदी का स्वागत करें।
जयूबेन से प्रार्थना है कि गुणातीत ज्योत से पधारे हमारे बहनों का स्वागत करें। हेमंत भाई मर्चन से प्रार्थना है कि राजू भाई ठक्कर का स्वागत करें। अद्भुत हारविधि, अद्भुत स्वागत इस ब्रह्म महल में, सबका स्वागत है। अभी जो हम गुण देखने वाले हैं वशी भाई का, वो गुण है विचरण का। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनको देह का जितना अनादर है शायद ही किसी को होगा। अपने देह की कभी भी परवाह किए बिना सिर्फ भक्तों के लिए उनका जीवन है। सतत विचरण में रहते हैं, कंटिन्यूअस विचरण में रहते हैं। इस एज में भी वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं मैसो प्राइवेट लिमिटेड के। उनको बार बार अब्रॉड जाना पड़ता है सत्संग के कामों के लिए, एवं ऑफिस के कामों के लिए भी उनको जाना पड़ता है बार बार। उनको शायद नींद कम मिलती है, उस वजह से उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम भी है, और देह के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो किसी के सामने जताते नहीं हैं। उनको देह का इतना अनादर है। सतत विचरण करने के बावजूद वो उतने ही फ्रेश होके युवक सभा अटेंड करेंगे, उतने ही फ्रेश होके उनका जो डेली हमारा स्वाध्याय है शाम की सभा, वो भी ऑफिस से थके हारे होने के बावजूद करेंगे, और सबको वैसा भजन और स्वाध्याय का रंग भी लगाएंगे। तो ऐसा उनका जो विचरण का अनोखा गुण है और देह का जो अनादर है, वो हम सब ने हमारे जीवन में लाना चाहिए। और उसी तरह से हमें भी देह का अनादर करके सिर्फ शताब्दी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। तो शताब्दी के लिए अपने देह की परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ते रहना है। और उसी श्रृंखला में हमारे एक उत्साही युवक जो वापी मंडल से हैं, प्रकाश भाई, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो भी आके वशी भाई का गुणानुवाद करें। सहजानंद स्वामी महाराज नी जय। आज बहुत आनंद करने का दिन है। हमारे प्राण प्यारे वशी भाई का हम जन्मदिन मना रहे हैं। उनके बारे में बात करना, कब से मैं सोच रहा था कि क्या बात करूं, लेकिन बहुत ऐसे प्रसंग है कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है लाइफ में कुछ अच्छे करने की, कुछ अच्छे से जीने की। हमारे गुजराती में एक कहावत है, माते माँ बीजा बदा वगड़ाना वाह। तो ये प्रमाणे वसी भाई के लिए कह सकते हैं कि वसी भाई, उनका किसी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी में ये होती है कि गुरु को राजी करना। तो हमारे वसी भाई, भरत भाई, जिन्हें काका जी को राजी किया हुआ है, और वही पूर्णाहुति होती है। तो हम बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं। 19 साल हो गए, समर्पण कितना कठिन होता है ये सब जानते हुए कि हमें जो मिले हैं वो अनमोल है, फिर भी एक समर्पण का भाव नहीं आता है।
आज 19 साल हुआ, मैं मेरी पर्सनल बात करूं कि मैंने कभी इतनी गरज मैंने नहीं बताई है, लेकिन सामने से उनका फ़ोन आते ही रहा है कि कुछ तकलीफ तो नहीं ना, कुछ काम रहेगा तो आधी रात को भी फ़ोन करने का। एक बार तो ऐसे बता दिया कि प्रकाश भाई कहीं काम हुए ना तो आधी रात भी फ़ोन करो, पर मैं कुछ वसी भाई अर्धी रात तो कहीं खबर पड़े ने मैंने कितना तुम्हें पोता मान्या से। बोलो एक भक्त माटे कितनी बड़ी संबंधनी बात है कि काकाना संबंध में आयो तो एना माटे हूँ शू शू ना करूँ एम, तो आपने सहजे सहजे थाय कि ये कितने हाइट पे और कितना स्पिरिचुअलिटी पे, इतने उनका लेवल इतना है कि हम वो लेवल पे चल नहीं सकते तो ऑटोमेटिकली हमको पीछे हट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि बहुत बहुत एकदम टफ एग्ज़ाम होता है तो देने से कुछ स्टूडेंट घबराते हैं कि फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो वैसे ही सिचुएशन हमारा है कि हम ये रास्ते पे इनके जैसे तो हम सोच ही नहीं सकते कि ये लेवल पे हम काम कर सके, ये लेवल पे हम सत्संग की सेवा कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना माना है, सबको अपना संबंध दिया है और काका का संबंध में आया है तो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि कभी हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम पराए हैं उनके लिए। दूसरा, जब मैंने पहली बार फ्लैट लिया तो उस टाइम तो हम एकदम नॉर्मल सिचुएशन थी, तो वसी भाई को महापूजा के लिए इनवाइट करना था लेकिन मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी कि कैसे बात करूँ हम, तो मैंने सिर्फ ऐसे बताया कि वसी भाई नया फ्लैट लिया है तो कब मैं ट्रांसफ़र करूँ, तो संडे कुछ फ़ोन किया था तो मंगलवार को सोनाबा का जन्मदिन था, तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को सोनाबा का जन्मदिन है, आप उसी दिन पे ट्रांसफ़र करो और मैं महापूजा करने आऊँगा, तुम चिंता मत करना। तो अपनी मन की जो मुंझवण है वो कैसे एक टेलीपैथी की माध्यम से जैसे वो सर्वत्र है कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो सही में आश्चर्य होता है कि सही में भगवान के लिए और भगवान को अखंड अपने आप में धारण करके जीते हैं उसी के लिए शक्य है। और उनके संबंध में आने वाले, मैं वैसे तो लकी हूँ कि मैंने इतना क्या बोलते हैं गरज जो होनी चाहिए, लेकिन मैंने बिन मांगे मुझे सत्संग ने बहुत कुछ दिया है, तो उनके संबंध से उनके जैसे स्थिति पाए हुए अपने पेरिस में प्रवीण भाई लाड़ है, तो उन्होंने मुझे घर बैठे सत्संग करवाया फ़ोन के माध्यम से, तो वसी भाई को पता चला तो बहुत राजी हुए कि वापी में बैठे बैठे वो उनका सत्संग करते हैं, तो कई बार बोलते थे कि तुमको पेरिस लेके जाना है, तो मुझे अंदर अंदर ऐसा होता था कि वसी भाई बोल रहे पेरिस लेके जाना है, क्योंकि कभी लाइफ में कभी अब्रॉड जाने का तो विचार ही नहीं आया, और जैसे बाद में जब पेरिस का समय आया तो प्रवीण भाई ने बोला कि आपको आना है, मैं तो ठीक है, तो हमारे वापी में एक एजेंट है मैडम, उनको मैं मिला, मैं तो मेरे को ऐसा वीज़ा के लिए थोड़ा प्रोसेस करना है, तो उन्होंने बोला कि आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, मैं बोला नहीं है, तो कुछ इनविटेशन लेटर है, मैं बोला नहीं है, तो बोलते आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है, उनकी आप खाली पीली पैसा मस्त वेस्ट करें, मैं आपको एक सही सलाह देती हूँ। तो मैंने वसी भाई को फ़ोन किया, मैं बोला ऐसा ऐसा एजेंट बता रहे, तो बोलता है वो बात सब भूल जाओ, आपको वीज़ा मिल गया ऐसा समझ के आप अप्लाई कर लो। बाद में मैं वापस दूसरे दिन गया, मैं बोला मैडम चाहे कुछ भी हो आप एप्लीकेशन डाल दो, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं दे देता हूँ, और वापी बैठे बैठे वीज़ा आ गया। मुझे इंटरव्यू में जाना नहीं पड़ा। तो ये जब बातें होती है जीवन में, ऐसे प्रसंग आते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है कि सही में हमने कुछ किया नहीं और कैसा संबंध पाया है, मुफ्त में ऐसे मिले हैं। आज उनके पास सीए की डिग्री है, मैं जॉब करता हूँ, मैंने कंपनी में बहुत ऐसे साहब देखे हैं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्री जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा आतंक मचाते हैं कंपनी में,
शांति फैलाना तो दूर, सबको त्राहिमाम त्राहिमाम कर देते हैं, लेकिन वसी भाई जैसे मैंने पहले बोला कि उनका हम किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, उनको मिलते हैं तो एकदम शांति हो जाती है। और उनका एक जो मीठा बलदिया जो बोलते हैं ना, तू साला बलद नो बलद रे हो तो इतना आनंद होता है। और कई बार हम हमारे अपनी लाइफ में हम किसी को अगर कुछ बोले कि तू साला गांडो छे बुड़थल छे के डोबो छे तो गुस्सो आवी जाए, पर वसी भाई ये स्टाइल थी बात करे कि आपने सहजे सहजे एम थाय अंतरदृष्टि करवा मन थाय, इंट्रोस्पेक्शन करिए कि नहीं सालू तकलीफ तो छे ज। तो एक लर्निंग पॉइंट है जो एज ए टीम लीडर है, ग्रुप लीडर है, जो काम करते हैं, तो वसी भाई को ऑब्जर्व करें। और वसी भाई को ऑब्जर्व करने से लीडरशिप की जो क्वालिटी है, आज मार्केट में लीडरशिप के बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और लाखों रुपीज़ की फीस वसूलते हैं लोग, और हमें मुफ्त में मिला है, इसलिए आई थिंक कुछ कदर नहीं होती है। और वसी भाई का नेचर ऐसा है, ऐसी बात करते हैं तो सामने वाला क्या बोलते हैं, वो गूगली बॉल होता है ना, तो आउट हो जाता है। वैसे हर बार चूक हो जाती है कि हमारे सामने एक ऐसी बड़ी अद्भुत पर्सनालिटी खड़ी है और बातों बातों में हम भूल जाते हैं। और जैसे अपने अपने लेवल का अपने लेवल तक आके बात करते तो हम सही में भूल जाते हैं और उनको अपने जैसे समझते हैं। उनके संबंध से महाराज के टाइम में पर्वत भाई थे, लेकिन आज भी पर्वत भाई है, प्रवीण भाई उनके संबंध से आज भक्तों की इतनी सेवा करते हैं। मैं पेरिस जाके आया, मुझे खाली टिकट का खर्चा हुआ, 14 दिन घूम के आया। जेने जेने बात करूँ तो तू तो साला बहु नसीब वालों निकले उनकी मफत में मौज, हूँ बता नहीं मफत में मौज, तुम्हारा भी आओ तो आओ सत्संग में मफत में मौज। अने खरेखर आओ सत्संग कौन करावे, ऐसा सत्संग कौन कराएगा। सुबह शाम चाय नाश्ता, खाने के टाइम खाना, मुफ्त में सोने का कोई चार्जेज नहीं। और वसी भाई हमारे बिल्डिंग में एक ब्राह्मीन था, वो पूजा पाठ करवाता था, तो उसका मिनिमम चार्ज 11,000 रुपया। हाँ, और वो दारू भी पीता है सुबह उसका ड्रेस ड्रेस पहन के निकलता है और सुबह उड़ता है, सोने तक मावा और तंबाकू तो चालू ही रहता है, फिर भी 11,000 रुपया और लोग देते हैं। सोचो मानसिक से, मानसिक पीड़ा से लोग कितने त्रस्त है। और अपने यहाँ सीए किए हुए वसी भाई कोई चार्जेस नहीं, ऐसे ही आ जाते हैं पूजा करने के लिए, जो सेवा में दिया हो देखते भी नहीं है कितना दिया। तो अपने तकदीर की तो कोई बात ही नहीं है, सही में हम सोचे तो ऐसा लगे कि सही में भगवान ने बहुत कृपा की है, और कितनी कृपा करेंगे। लेकिन हम वो हिम्मत जो जुटाना पाते हैं, जुटानी चाहिए, कि एक समर्पण का एक भाव विचार आता है लेकिन चरणों में जाके बोल नहीं सकते कि अभी आप बताओ मुझे कैसे जीना है। वो एक जो भाव है वो सही में, आज प्रार्थना करने का दिन है, उनका जन्मदिन है। एक लास्ट टाइम अभी वापी में सभा हुई तो वालेरा वरु का हमारे हर्षित भाई ने एक प्रसंग बताया था। वालेरा वरु लुटारा था, गुणातीतानंद स्वामी के संपर्क में आया, सद्भाव बताया, स्वामी ने पूछा क्या क्या क्यों ऐसा करते हो, लूटफाट करते हो। उन्होंने बोला मेरा सब भाई लोगों ने सब पचा लिया। तो स्वामी ने बोला ठीक है, आज से 11 दिन के बाद तुमको सब कुछ वापस मिल जाएगा, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको 11 दिन कैसा वो भी गिनती करना नहीं आता था, तो बताया स्वामी 11 दिन कैसे गिनती करूँ। तो स्वामी ने 11 गांठ एक दूरी में 11 गांठ करके दी और बोला सुबह रोज़ एक एक गांठ ऐसा खोलने का, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन तुमको तुम्हारा जो भी चला गया वो मिल जाएगा। 11 दिन के बाद उसको उसका भाई सामने से आके सब दिया। तो वो सब कुछ लेके स्वामी के पास चला जाता है और सीधा सब कुछ रख देता है स्वामी के चरणों में कि आपका धाम क्या है, आप कहाँ से है वो मुझे बताओ, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपको समर्पण है। तो स्वामी उनको साक्षात्कार कराते हैं। तो ये जब प्रसंग मैंने सुना
तब मुझे लगा कि एक प्रसंग से उसको कितनी खुमारी आई और कितना भाव आया, और उसने तुरंत जाके कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और समर्पण कर दिया और स्वामी तुरंत राजी हो गए। तो राजी करने का एक यही रास्ता है, समर्पण करने का। तो आज आपके जन्मदिन पे एक प्रार्थना मैं करता हूँ कि ऐसा भाव जागे, विचार तो आते हैं लेकिन एक ऐसा हिम्मत कि सही में कि बस आप जैसे बोले वैसे लाइफ जीना है। संसार का बहुत सारा आनंद भी देख लिया, बहुत सारा दुख भी देख लिया, वो कंटिन्यू चलते ही रहने वाला है, क्योंकि हमारे संकल्प का तो कोई अंत है ही नहीं। बच्चे मांगेंगे, बाद में उसके लिए बीवी मांगेंगे, बाद में उसका बच्चा, ये सब कंटिन्यू चलता ही रहता है धंधे के लिए, लेकिन उसका कोई पूर्ण विराम नहीं है। अभी हमने सब देख लिया, ज्ञान भी हुआ, रमत रमत में खाते पीते इतना ज्ञान हुआ। तो आपने जो एक धुनी दिखाई है, आपने, आप कभी बताते नहीं है उस, क्योंकि हमारा लेवल नहीं है। मैं जब सोचता हूँ तो अभी वो जूनियर सीनियर केजी वाले लड़के को कॉलेज का पाठ थोड़ी पढ़ाया जाएगा। जब हमारा कुछ लेवल देखेंगे कि नहीं ये कुछ करने वाला है या कुछ है, तो कुछ ऐसे बात करेंगे। तो आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि हमारा लेवल बढ़े और सही में एक ऐसा कुछ करने की और कुछ हिम्मत से करने की कि कभी पीछे हट न करे, ऐसा आशीर्वाद दो। और जीवन जो एक सत्संग मिला है वो व्यर्थ न जाए, और आपने जो इतना दाखड़ा किया है, आपने जो समर्पण किया है वो व्यर्थ न जाए, क्योंकि आपने तो अपना पूरा कर ही लिया है और जो कुछ भी कर रहे हो हमारे लिए कर रहे हैं, बराबर है। तो वो चीज़ हम समझ के वो बात को पकड़े, और कृपा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कृपा तो आपने बहुत की है और विशेष कृपा की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बल इतना देना कि कुछ हम सही में सत्संग को पचा पाए, सत्संग के लिए कुछ कर पाए। और जो अपना शताब्दी महोत्सव आ रहे, आप जो चाहे वो सेवा हमको हमारा लेवल समझ के देंगे वो हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जय स्वामीनारायण। प्रार्थना है कि अपना वक्तव्य समय से सीमित ही रखे। गुणानुवाद का अगला चरण वशी भाई की गुरु भक्ति। गुरु भक्ति वशी भाई के प्रति क्या, गुरु जी काका जी ने वशी भाई को CA करने के लिए बोला, तो काका जी ने CA तो किया ही, और आज मैं उनके साथ ही ऑफिस में काम करता हूँ। मैंने देखा है वशी भाई किस लेवल पे काम करते हैं। अगर वशी भाई ना हो, शायद ही ऐसा ना बोलना चाहिए, बट वशी भाई ना हो तो मैसों में पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे है इस लेवल पे वशी भाई काम करते हैं। CA के साथ साथ ही काका जी ने उनको आज्ञा की कि महापूजा करो। महापूजा का वो दौर उन्होंने जब से स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूस वशी भाई महापूजा करते ही रहते हैं। अभी भी कभी कभी दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महापूजा भी सैटरडे संडे या उनकी छुट्टी के दिन हो तो भक्तों लिखा देते हैं, और वशी भाई वो महापूजा उसी भाव से करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी महापूजा का एक बार स्वामी जी ने भी बताया था कि वशी भाई महापूजा करते हैं तो साक्षात श्री जी महाराज उस महापूजा में आते हैं। प्रासंगिक उद्बोधन का सत्र आगे बढ़ाते हुए औरंगाबाद से पधारे परम भक्त नरेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें प्रासंगिक उद्बोधन। धन्यवाद पीयूष भाई, मेरे लिए स्टॉप वॉच भी रख दिया है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु जी, दूसरे गुरु जी, ब्रह्मानंद स्वामी, भरत भाई, वशी भाई, आनंदी बहन, ज्योत से आए हुए बहनों, यहाँ के सभी संत बहनों और सभी भक्तों के चरणों में औरंगाबाद मंडल के सभी भक्तों का जय स्वामीनारायण। आज वशी भाई का प्रागट्य दिन हम मना रहे हैं, तो बहुत ही ऐसा एक आनंद का माहौल तो है, लेकिन साथ ही साथ एक पता नहीं लेकिन एक जिम्मेदारी का
भावना भी ऐसा मन में हो रहा है कि भई अभी आप कुछ अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, तो बहुत ऐसा विचार आता है। कल आए हम वशी भाई बाहर गांव थे, जब वो आए तो उनके साथ रूम में हम उनकी सेवा में गए, तो जो 3,000 किलोमीटर दो तीन दिन में वो घूम के आए, जो काम किया वो कोई ऐसे आनंद के लिए तो गए नहीं थे, वो वहाँ पे जॉब, तो जो दर्द जो उनको हो रहा था और उससे जो आ निकल रही थी, आवाज़ निकल रही थी कि आ करके, तो दिल में एकदम ऐसा हो गया कि यार क्या है, कितने बड़े। और सच बोलता हूँ, बाद में हम में से किसी को महसूस भी नहीं हुआ कि वो वहाँ रूम में दर्द से इतना तकलीफ में थे, जब उन्होंने यहाँ पे हमें पारायण का लाभ दिया, हमको पल भर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ भाई ये वैशी भाई वही है जो वहाँ रूम में इतना दर्द में तकलीफ में थे। और मैंने बोला भी उनको कि वैशी भाई आप आराम करो, सो जाओ, तो ले अभी नींद कहाँ आएगी, छोड़ दे, तो वो वहाँ से निकल आ गए। सच में बहुत बहुत बड़ी बात है, हम तो सिर्फ औरंगाबाद से आते हैं वैशी भाई, जब वापस जाएंगे ना तो एक दिन की छुट्टी रखेंगे कि भाई अभी ट्रैवलिंग करके आए हैं तो अभी आज सो जाएंगे तो दूसरे दिन शायद ही हम जॉब पे जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा तो हम सब जानते हैं प्रभु का स्वरूप है, लेकिन ये बड़े पुरुष उनके सामर्थ्य की उपयोग खुद के लिए नहीं करते, हम आँखों से देख रहे हैं, ये बहुत समर्थ है लेकिन फिर भी कभी भी अपने लिए नहीं करेंगे इस्तेमाल। ऐसे बहुत हमने प्रसंग देखे हैं, हम तो सुन भी रहे हैं कि अलग अलग कितनों का कैसा कैसा काम किया है, कि एक प्रार्थना कर दी और काम हो गया। हमारे औरंगाबाद में एक अक्षय भाई है, तो उसको जब भी ऐसा बोलते हैं हम, कभी दिनकर भाई ने भी बोला था कि अक्षय आपका प्रसंग बताना, तो प्रसंग तो दूर रहा, वो 15-20 मिनट तो कंटिन्यू रोते ही रहा कि वैशी भाई ने मुझे क्या दिया है। ऐसा उसको बात करने को भी ये नहीं हो रहा था कि इतना कृपा सबके ऊपर किया है उनका। वो कैसे अंतर्यामी, अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग सुने कि कैसे वो अंतर्यामी, कैसे उनका आशीर्वाद दिया तो फलता है, ये सब बहुत बहुत हमने देखा है। हमने सभा में औरंगाबाद में एक बात हो रही थी, हमेशा सुनते हैं हम वैश्य भाई से कि अनकंडीशनल लव भगवान के पास ही होता है और कहीं नहीं, तो कभी दिमाग में आया नहीं व्हाट इज अनकंडीशनल लव। तो सोचते बैठे सब लोग थे, तो विचार करने लगे कि सच में अनकंडीशनल लव क्या है, तो बाद में एकदम बल्ब जल गया कि हाँ यार ये बात सही है, क्योंकि जगत में अगर हम एक दिन भी किसी के मन के खिलाफ, मैं तो सभा में उस दिन ऐसा बोल रहा था कि 15 दिन किसी के मन के खिलाफ कंटिन्यूस कुछ करके देखो तो सामने वाले को अपने बारे में नफरत हो जाएगी। तो हमारे में से एक बहन बोलती है 15 दिन बहुत लंबा हो गया, एक ही दिन काफ़ी है, एक दिन में वो सामने वाले को अपने प्रति नफरत हो जाएगी। तो मन में ऐसा विचार आया कि day 1 से वशी भाई हम आपके पास आए हैं, लेकिन day 1 से हमने तो कभी आपके मन के हिसाब से कभी जिया नहीं है, क्योंकि आप जैसा चाहते हो जो लेवल पे है तो भी आपने कभी हमारे प्रति ऐसा ये भाव नहीं हुआ। सभी संत, गुरुजी भी है, भरत भाई भी है, दूसरे गुरुजी भी, सभी के पास वो जो चाहते हैं, जैसा हमारे से जीवन चाहते वैसा तो हम नहीं जी रहे, लेकिन फिर भी वो कितना अनकंडीशनल लव है कि पल भर के लिए भी वो हमें दूर नहीं कर रहे, भले हमारा कोई ऐसा ये हो या ना हो। यहाँ पे दूसरा भी एक बात होता था, भरत वशिवे को कल बोला कि वशिवे शताब्दी आ रही है, तो शताब्दी में आज जो हम कसम लेने वाले शताब्दी की, वो आपका गिफ्ट। तो वशिवे ने जो बात किया ना, वो सुन के मैं एकदम हक्का बक्का हो गया। वो बोलते हैं कि आप सब में से भगवान काम करते हो जाए वो मेरा गिफ्ट है, बाकी के गिफ्ट क्या गिफ्ट है क्या। मैं एकदम परेशान हो गया, मैं बोला ये कितनी लेवल की बात है, बहुत बड़ी बात है।
यानी ये संत लोग अभी ये आध्यात्मिकता कितनी आगे बढ़ गई है कि हम सोच नहीं सकते इतनी आगे की और ये लेवल की। और एक काका जी को कितना भी हम धन्यवाद बोले वो कम है कि इतना ओपन कर दिया। नहीं तो पहले ऐसा कोई बोले नहीं, तो उन्होंने काका जी ने ऐसा ओपन कर दिया कि आ जाओ सबके सब ब्रह्म स्वरूप, कोई ब्रह्म रूप भी नहीं बोला, जाओ ब्रह्म स्वरूप हो सकते हो तुम सबके सब, इतना ऊपर। और ये मैं अभी इनकी बात में और इसमें हम महसूस कर पा रहे कि वो हम सबको ऐसा कराना चाहते हैं। तो उसमें एक पारायण में जो बातें चल रही थी, पारायण में सुना कि महाराज ने 8 महीना सभा किया और आखिरी में पूछा कि आप मुझे किसके जैसा मानते हो। तो सबने फिर अलग अलग बोला, तो फिर महाराज ने बोला ऐसा मत मानना, मुझे कपिल जैसा और इनके जैसा मानना है। तो सबने बोल दिया हाँ बराबर बराबर, अभी हम कपिल जैसा ही मानेंगे। लेकिन बाद में गुणातीतानंद स्वामी की आगे की बात पढ़ी कि गुणातीतानंद स्वामी ने इतना सब आचार्यों का इनका सब इतना सेवा किया, इतना महिमा से ये किया कि स्वामीनारायण भगवान सर्वोपरि भगवान है वो एस्टेब्लिश कर दिया और सबने माना भी कि हाँ सर्वोपरि भगवान है। लेकिन उसमें मेरे को एक मन में विचार आया और मैं अभी भी वो पूछना चाहता हूँ, सब बड़े सब है यहाँ पे, तो मैं मेरे मन में वो प्रश्न है कि बाद में तो माना लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्राप्ति में तो फर्क पड़ गया होगा ना, कि जब वो हाजिर थे महाराज तब जो मनाया गया और वो जो बात बन गई बाद में। गुणातीतानंद स्वामी के टाइम भी भगत जी महाराज ने जैसा माना, बाकी सभी तो भक्त थे साथ में ही थे, कोई अलग तो थे नहीं, सब साथ में ही रहते थे। लेकिन जब गुणातीतानंद स्वामी के टाइम गुणातीत को वैसा मान के वैसा उसी पल उसी प्रेजेंस में जब भजा गया तो बात अलग बन गई। वही चीज बापा योगी बापा के साथ, अभी काका जी थे हरिप्रसाद स्वामी थे सभी तो बापा के साथ थे, लेकिन साथ में दूसरे भी तो भक्त थे, पप्पा जी वहां पे थे, प्रमुख स्वामी थे, सब थे, इनके साथ साथ दूसरे भी भक्त थे। लेकिन उनका इनका जो उन्होंने किया, जो प्रकट किया बापा को, हमारे सभी ऐसे ब्रह्म स्वरूप ऐसे हमारे गुरुओं ने, तो वो बात दूसरों का भी था लेकिन वो बाद में फिर वो भी एस्टेब्लिश हो गए कि बापा ऐसे भगवान का स्वरूप बाद में एस्टेब्लिश हुआ। तो उसमें लेकिन मेरा प्रश्न सच में गुरुजी भरत भाई वशी भाई सच दिल से है कि सच में फर्क तो अगर उसी पल मनाया जाए तो बात तो कुछ और बन जाएगी। तो भरत भाई हम सच में हम कबूतर नहीं बनना चाहते। आपने जो बोला था कि महाराज ने बोला कि कबूतर के कबूतर रह गए, लेकिन दयालु आप सब जो हो आपके प्रेजेंस में अगर हम ये सब बात मान ले समझ ले, तो मैं तो इसके बारे में एक मन में ऐसा आता है कि अभी इतने दिनों से साधना कर रहे एक बात समझ में आई कि अपने से कुछ ऐसा ना हम सच्चे दिल से प्रेम कर सकते हैं। जो सच्चाई से प्रेम आप करते हो उतना तो प्रेम हमसे नहीं होता है, ना कोई साधना होती है, ना कोई क्लास नहीं है, कोई लेवल नहीं है, वी आर एब्सोल्यूट जीरो, कुछ नहीं कर सकते। वो आपने हमको दिखा भी दिया कि भाई हमसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दयालु एक दिल में भावना जरूर है कि जैसे भी है अभी आपके पास तो पहुंच तो गए, तो भले हमारा कोई साधना का इसका लेवल नहीं होगा तो, लेकिन एक प्रार्थना जरूर है कि दयालु पात्र भी आप ही घड़ाना। सच सच दिल से बोलता हूँ, कोई हमारा क्लास पात्रता 1% की भी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अभी आपने स्वीकार लिया है तो पार भी आप ही उतारना। वही प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज कीजिए। धन्यवाद नरेश भाई। वशी भाई का बर्थडे है और माहौल एकदम सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। हम शताब्दी महोत्सव की जय जयकार बुलाएंगे। सब इतने जोर से बोले कि शताब्दी महोत्सव आने तक वो आवाज़ इस सभा मंडप में गूंजती रहे।
काका जी पप्पा जी शताब्दी महोत्सव की जय। काका जी पप्पा जी शताब्दी महोत्सव की जय। काका जी पप्पा जी शताब्दी महोत्सव की जय। जय। धन्यवाद। अब सब जोश में आ गए हैं। अगर अभी हम जो कार्यक्रम करने वाले हैं, आज वशीभाई का जन्मदिन है और हम सभी जानते हैं कि वशीभाई के पास जो आता है, भगवान के पास जो आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाने ही वाले हैं, पर हमारे बीच कुछ सद्भागी लोग ऐसे भी बैठे हैं जो आज कुछ अलग लेकर जाएंगे, कुछ गिफ्ट और कुछ यादगारी जो यहाँ से वो लेकर जाने वाले हैं। तो मैं प्रसाद भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो चिट्स है वो परम पूज्य मुकुंद स्वामी जी, परम पूज्य दिल्ली से आए हुए गुरु जी एवं निष्काम जीवन स्वामी जी सांकरदा के गुरु जी, उनसे प्रार्थना करें कि वो एक एक चिट निकालें। पहले सद्भागी हैं अमृत भाई पटेल मलाड। अमृत भाई से प्रार्थना है कि वो स्टेज पर आके अपना जो ये गिफ्ट है वो वशी भाई से लेकर जाएं। अगर अमृत भाई नहीं आए हैं तो राहुल, अच्छा अमृत भाई आ रहे हैं। ये जग सारा प्रीत का मेला, वशी भाई ने अभी कहा है कि मैत्री मिलन महोत्सव में अमृत भाई भगत जी महाराज का रोल कर चुके हैं। गीत का मेला आनंद का खेला है, आनंद करो आनंद करो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आनंद का खेला है, आनंद करो आनंद करो। एक और दे। अब दूसरी चेट निष्काम जीवन स्वामी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो निकाले। दूसरा नाम जो आया है वो हमारे सबके प्यारे ऐसे वडालकर दादा उल्लास भाई वडालकर, उनका नाम आया है वडालकर फैमिली से, उल्लास भाई वडालकर, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ अगर वो आए हैं तो कृपया आकर दोनों वडालकर अंकल को प्रार्थना है। दादा अभी आइए। वशी भाई ने एक और चीज जो बताई अभी कि ये बहुत हमारे भाग्य की बात है और एक योगानुयोग भी कह सकते हैं, वडालकर दोनों भाइयों ने, वडालकर दादाओं ने, दोनों भाइयों ने काका जी महाराज की 25 से 30 साल तक ऐसी सेवा करी है और अभी भी वो करते आ रहे हैं। जो डेकोरेशन हमें दिख रहा है वो वडालकर दादा ने किया हुआ है। बाद में सारे कदम हो, संत वचन में सार समाया, संत वचन में सार समाया, सेवा में आनंद हो, सेवा में आनंद हो, सेवा में। अब सब देख सकते हैं कि जो डेकोरेशन किया गया है वो हर जगह आप देख सकते हैं कि हार्ट लगाए हुए हैं। वशी भाई का जो सीट का डेकोरेशन है उसके अंदर भी हार्ट है, तो उसका एक सिंबॉलिक अगर हम महत्व जानना चाहें तो ये है कि वो जो बड़ा हार्ट है वो सबसे बड़ा हार्ट वशी भाई का हार्ट है और वो उस हार्ट में, उनके हार्ट में भरत भाई अपना काका जी पापा जी शताब्दी महोत्सव के अलावा और अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। उसका वो सिम्बॉलिकल डेकोरेशन मीना बेन द्वारा किया गया है। अभी हम जो हमारा सत्र शुरू करने वाले हैं और सत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं गुणानुवाद का, जो वशी भाई के हम गुणों पे अभी ध्यान दे रहे हैं तो उनका एक जो गुण मैं बोलना चाहूँगा जो हम
आदर्श जिसका लेकर चलना चाहेंगे वो एक गौण गुण है भुलकू का। वशी भाई को काका जी महाराज एक प्यारे नाम से बुलाते थे, जिसको हम सबको पता है वो प्यारा नाम, उनको बचुड़िया कहकर बुलाते थे, जो एक भुलका का संबोधन ही हम कह सकते हैं जो काका जी महाराज उनको बोलते थे। 2 साल पहले शायद स्वामी जी जब आए थे और उन्होंने प्रवचन किया था, तो मुझे याद है, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 बार स्वामी जी ने एक वाक्य बार बार बोला था कि आप भुलकाओं ने कशो स्वार्थ न थी, आप भुलकाओं ने कशो स्वार्थ न थी। कुछ प्रवचन बोले, फिर वापस बोले, प्रवचन बोले, वापस बोले, ऐसा 10 से 15 बार इन भुलकाओं की बात करी है। तो वैसे वशीभाई काका जी महाराज के भुलके हैं, जिसको स्वामी जी भी सर्टिफाई करते हैं और सारे हमारे जो मंचस्थ महानुभाव भी हैं वो भी एग्री करेंगे। तो मैं ऐसे हमारे परम भक्त जो ओपी अंकल जी हैं, ओपी अग्रवाल जी अंकल, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो प्रासंगिक उद्बोधन करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। अभी जैसे सभी युवक वक्ताओं ने जो बातें करी हैं, पहली बात तो उसमें इतने डूबे रहे कि उसमें से बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा था, उनकी बातें सुनते ही रहे, ऐसा आनंद हो रहा था। तो मुझे ये बीच में ऐसा लगा कि ये मुझे बुला करके एक व्यवधान मेरे लिए हो गया, कि नहीं तो इतना आनंद आ रहा था इनकी बातें सुन के कि एक एक जन ने किस तरह से उन वशी भाई को के गुणों को अपनाया होगा, उनको अपने जीवन में उनकी उसको उस तरह उस नज़रिए से देखा होगा और उसको ये लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं, उसकी वजह से ये इतनी बातें इतनी फ्रीक्वेंट इतनी फ्लुएंसी से बोल सकते हैं। तो खूब अभी और भी इस तरह के प्रसंग हमें इनको सुनने को मिलेंगे। एक एक जन को वशी भाई, जैसा सब जानते हैं, वशी भाई का जो गढ़न है, हम सबको जिस तरीके से वो एक एक जन को अपने जो उनके संबंध में आता है उसको जिस तरीके से उसके ढांचे को उसके उसको किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और कैसे संभालते हैं, वो सब हम अभी खूब सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। एक खास नोटेबल पॉइंट मुझे अभी जो मैं जब सुन रहा था तो मैंने गिरीश भाई से कंफर्म भी किया कि जो आज वशी भाई का जन्मदिन प्राकट्य दिन जो हम मना रहे हैं वो 63वां प्राकट्य दिन है। 63 मतलब 6 और 3, आप देखें तो 6 और 3 आपस में ऐसे एक दूसरे के मुँह किए हुए हैं। तो ऐसे जब हम काका जी पप्पा जी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं तो ये 63 भी अपने आप में एक संकेत देता है कि कैसे सुहृद भाव, तो वो सुहृद भाव भरत भाई और बसी भाई 63 की तरह रहते हैं, वो एक अपने आप में एक सिंबॉलिक यहाँ उस चीज़ का दर्शन हमें होता है। जैसे सभी ने कहा कि भरत भाई वशी भाई, मतलब जैसे कि वो दोनों में एक दूसरे में बसे हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे में का कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा एक व्यवहार करते हैं। ये तो खूब हम सब जानते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं जो आज, वो जो संबंध हमें मिल गया है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी सुखद घटना है कि हमको ये ऐसे संतों का, ऐसे काका जी का, काका जी पापा जी का ये हमें संबंध, इस गुणाती समाज के सत्संग का संबंध हमें मिल गया, ये हम सब के जीवन में एक बहुत बड़ी सुखद घटना है जिसने हम सभी का जीवन किसी ना किसी तरीके से, सब अपने अंदर में चाहे यहाँ आकर के बताएं या नहीं, सबके अंदर में उस चीज़ की अनुभूति और प्रतीति होती है कि हमें क्या चीज़ मिली है। मैं यहाँ पर जब भी किसी से भी बात कर रहा होता हूँ
तो सब के अंदर एक ही चीज़ होती है कि ये जो चीज़ हमें यहाँ मिली है वो शायद ही कहीं हमें मिलती और हम खूब नसीबदार हैं। वो कई बार अपने आप को एक दूसरे से कंपैरिजन भी करते हैं बाहर के लोगों से जो यहाँ नहीं आ पाए और जगत में है कि वो और उसमें हम में क्या फ़र्क हो गया है। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल परायण की बातें हम सुन रहे थे, उसमें जो एक वर्ण ज़्यादा तो मुझे उसका एकदम रहस्य नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो वर्णन हो रहा था कि जो तुलसी दवे जो बात प्रश्न पूछ रहे थे और ये जिसके के ऐसे प्राप्ति होने के बाद ये भगत लोग जो आपके धाम में बैठे हैं वो कौन से आसन पे बैठे हैं, कैसे हैं, क्या क्या, ये सारी बातें। तो सच में मैं जैसे कई बार मैं अपनी बात में मैं फील करता हूँ कि हम सब उसी भगवान के अक्षरधाम के ऐसे ही उस अक्षरधाम में ही यहाँ बैठे हुए हैं। और वो जैसे मखमली का या जैसे उसका कोई आकार प्रकार नहीं गिना पा रहे थे, ऐसे उसी उस पर इन लोगों ने हमें इन संतों ने गुरुजी बशी भाई भरत भाई स्वामी जी जो काका जी ने हमको इन सब की जो भेंट दी है वो एक अमूल्य चीज़ है। तो वो उस तरीके से इन्होंने हमें अपनी गोद में और अपने हाथों में रखा हुआ है। ये जो प्रसंग सब अपने अपने हम जो बता रहे हैं वो इस चीज़ को खूब कन्फर्म करते हैं, दर्शाते हैं। वशी भाई की जो मैं बात करूं, एक तो वो हमेशा मुझे बोल जब भी उनके मुंह से मैं सामने आता हूं या नहीं भी होता हूं व्हाट्सएप पे भी वो मुझे कहते हैं ओपी गोपी। मैं तो पता नहीं दूर दूर तक मुझे मालूम नहीं कि गोपी का भी मतलब क्या है और गोपी की तुलना भी मैं अपने आप को से कर सकूं नहीं, लेकिन यस क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बार ये इस नाम से पुकारा था, भरत वशी भाई ने वो नाम पकड़ा हुआ और इस तरह के संबोधन करते हैं। तो ये हमारे को ये हमारे कहाँ किस तरीके कितना प्रेम करते हैं। आज जो सुबह सभा में बातें हो रही थी वो उस प्रेम का अंदाज़ा नहीं है, निखालस प्रेम और जो जिस तरीके से ये हमें अपने गले लगाते हैं वो अद्वितीय है और उसका आनंद हमें खूब मिलता है। मैं भी एक प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन जब वशी भाई की तरफ देखता हूँ जी प्रोफेशनल ब्रदर में भी मैं एक जो ये जीरो और हंड्रेड की बात करेंगे तो मैं जीरो पे खड़ा हूँ, लेकिन वशी भाई की जो अभी किसी ने बात करी कि जो वशी भाई जिस तरीके से उनका जो व्यवहार और मतलब आज पहली बात तो ये कि वो इतने बड़े सत्संग में ऐसे सत्संग की इस भूमिका पे इस कक्षा पे रहते हुए इतने सत्संग को करते हुए और वो व्यवहार के काम में वहाँ ये मैसो कंपनी को भी चला रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई साधु बन जाएंगे साधु बन गए संत बने तो कितना फ़र्क है कि वो त्यागी एक तो त्याग किया हो जाता भाई चलो इन सब बाकी संसारिक चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन वो उसमें रहते हुए काका जी की आज्ञा से शायद कि उसमें रहते हुए वो वहाँ की जिम्मेदारियाँ भी संभालते हैं और बाकी पूरा सत्संग में तो हमेशा वो डूबे हुए रहते हैं। तो कोई कह रहा था कि उनको ऐसे थकान और ये सब ये होती है, हम सब जानते हैं कि देह तो सभी का है लेकिन उनमें फ़र्क जो है वो यहाँ पड़ जाता है कि वो हर समय भगवान को धारे हुए हैं, उनके साथ भगवान हर समय उनके साथ रहते हैं, वो भगवान को अपने साथ रख के हर काम करते हैं, तो इसलिए वो उस चीज़ से परे हो जाते हैं। और जो वशी भाई का यदि जीवन देखें तो वो स्विच ऑन और ऑफ वाला है, जहाँ जब वो मैसो में हैं वर्क पे हैं तो वो टोटली उसमें ऑफकोर्स भगवान को भजन करते करते वो वाली वो क्रियाएं करते हैं और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो वो स्विच ऑफ करके यहाँ का स्विच ऑन हो जाता है, ऐसा उनका वर्तन है। हम एक जैसे अभी औरंगाबाद मंडल के शायद प्रकाश भाई नरेश भाई
जो कि लास्ट टाइम भी उन्होंने खूब बातें करी जो आनंद कराया, आज भी मैं देख रहा था कि वो किस लेवल की बातें आज कर रहे हैं एक साल के बाद। तो जो ये जो जिस तरीके से डेवलप किया है, हम चाहे गुरुजी के पास हैं, चाहे भरत भाई के पास हैं, वशी भाई के पास हैं या स्वामी जी के पास हैं, जो भी स्वरूप संतों से भगवान ने हमें जिस के साथ में जोड़ा है, वो हमारे लिए वो ही सही जगह पर है, इसके हिसाब से जुड़ा है। पर जहाँ भी जो भी जिससे भी हम जुड़े हैं, वो सब का यही प्रयत्न है, वो ये सब यही हमारे सबके लिए कर रहे हैं कि वो जैसे सेल्फलेसली जो प्रेम करके हमें जोड़ते हैं और उसके बाद वो हमें आगे ले जाने के लिए करते हैं। लेकिन कसर हमारी होती है कि जहाँ हम उसको उनके उसको नहीं झेल पाते और अटक जाते हैं। तो आज खूब आनंद करने का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है, और इस सुखानंद की इस जो हमें प्राप्ति हुई है उसका कोई कितना भी हम वर्णन करें वो हम महसूस कर सकते हैं कि जो हमें मिला है वो हम कहीं ऐसे ही अपने बुद्धिवश और जो करोड़ों जन्मों का जो हमारे अंदर कचरा था उसको हम कि उसकी वजह से हम इनकी जो बातों को इग्नोर ना कर दें, क्योंकि गुणातीतानंद स्वामी की बातों में भी ये पहले ही बात में ये बताया है। इस बार जो दिल्ली मंदिर में जो शिविर हुई थी एक महीने की, उसमें वशराज भाई डेली जो बात कर पढ़ते थे, तो उसमें गुरुजी ने एक ख़ास बात पर जोर दिलवाया था कि जो हम इस सभा में आकर के जो बातें सुनने आए हैं वो स्वामी मुझे बात कर रहे हैं, मेरे लिए बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, ये सब बातें मेरे लिए हैं, वो इस तरह से मैं उनको सुनूं और समझूं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी वो हमको बातें हमारे अंदर जा पाएंगी और हम उसमें अपने अंदर दृष्टि करके उन बातों पे आगे चल पाएंगे। तो खूब खूब धन्यवाद है। पहले तो एक तो सच में मैं आपको ये कहूँगा कि गुरुजी बताते हैं और भरत भाई वशी भाई से भी हमने खूब ऐसे दर्शन किए हैं कि जो काका जी की जो बातें हैं और जो काका जी हमें मिल गए हैं, जिस चाहे भले ही हम में से बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी हमने काका जी का स्थूल रूप में दर्शन नहीं किया, लेकिन सच में हमने इन स्वरूपों के द्वारा जो काका जी भगवान को जो धारे हुए हैं और काका जी को धारे हुए हैं उनके द्वारा हमने ज़रूर काका जी को खूब महसूस किया है। और काका जी क्या है वो ये इनके द्वारा हमें मालूम पड़ता है। बाकी तो हमें ज़्यादा ज्ञान खूब बताते हैं, सब सुनते भी हैं हम, लेकिन फिर भी भूल भी जाते हैं या भूलने मतलब एक उस पर इतनी चल नहीं पाते। लेकिन एक बार जैसे गुरु जी ने अभी पीछे स्वामी जी के आत्मीय महोत्सव के युवक आत्मीय महोत्सव की सभा में एक ही बात करी थी कि, और वो हमेशा अदरवाइज भी बताते रहते हैं कि हम कम से कम इतना कर लें तो वो हमारे लिए एक बहुत कुछ हो जाएगा कि ये जैसे कहते हैं कि ये प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ, ऐसे ही ये स्वामी मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ये हम मान लें तो फिर हमारा सब कुछ आगे अपने आप बढ़ता रहेगा। ऐसे ही कि जैसे ये वशी भाई मेरे हैं और मैं वशी भाई का हूँ। तो हे वशी भाई, आज आपके प्राकट्य के दिन आप हम सब पर जैसा अभी जैसे भी हैं आपके हैं, आप हमारे हो, ऐसे आपके चरणों में आज प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना मान करके हमें इसको एक्सेप्ट जो आपने किया है और जो हमें ये संबंध दिया है उसको हम खूब अच्छे से आपके जैसे चाहत है वैसे उस रास्ते पे हम चल सकें और आपका स्वास्थ्य खूब खूब अच्छा रहे, ऐसी प्रार्थना सजान स्वामी महाराज की। धन्यवाद ओपी जी। वशी भाई के गुणानुवाद का आगे सत्र चलाते हुए उनका अगला गुण है भक्त वत्सल। कुछ समय पहले की बात है, दिव्या मासी जो है वो धाम में गए थे और वो जहाँ रहते हैं उनका 11th फ्लोर पे घर फ्लैट था। उस दिन उस घर की कुछ उनकी बिल्डिंग का लिफ्ट का प्रॉब्लम था। वशी भाई 11th फ्लोर चढ़ के
भले ही नीचे सिक्योरिटी ने बोला है कि लिफ्ट में कुछ थोड़ी देर में चालू होगी ऐसा वैसा, पर भक्त वत्सल था। वती भाई ने थोड़ा भी ये ना करते हुए 11th फ्लोर, उनकी कमर का इतना प्रॉब्लम होते हुए भी 11th फ्लोर चढ़कर गए और वहाँ जाकर उनका जो उन्होंने आगे का कार्यक्रम है वो किया। ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग है, दिल्ली से हमारे एक युवक थे, उनका एडमिशन करवाना था। एडमिशन करवाने के लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया था बट कुछ हुआ नहीं, तो वशी भाई ने खुद हीरानंदानी के पास जाकर उनका कुछ लेटर लेकर, वो जहाँ कॉलेज में था उन्होंने अपने हाथों से युवक के साथ जाकर एडमिशन उनका करवाया। इन प्रसंगों से हमें ये देखने, ऐसे तो कई प्रसंग है, वशी भाई ने हमारे ही जीवन में कितने अनंत अनंत बोले तो ऐसे प्रसंग है, बट समय का अभाव होने के कारण कुछ एक दो प्रसंग जितने हुए हैं उतने ही हम बता सकते हैं। मैं औरंगाबाद मंडल से निखिल का ही गट ने एक भजन बनाया है पर्दा माया का पर्दा, तो मैं सभी स्वरूपों के चरणों में भी प्रार्थना करूंगा कि ये माया के पर्दे जो हमारे ऊपर है वो आप उड़ा दें, और निखिल भाई गट और मंडल से प्रार्थना है कि वे भजन प्रस्तुत करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज हमारे भाग्य में है शुभ घड़ी आई, वशी भाई के लिए जीवन जीने की घड़ी है आई। पर्दा है 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 पर्दा माया का पर्दा, पर्दा है पर्दा माया का पर्दा। पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है। इस पर्दे को झट से हटा ले, वशी भाई तेरा काम यही है। पर्दा है पर्दा माया का पर्दा, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है। इस पर्दे को झट से हटा ले, वशी भाई तेरा काम यही है। पर्दा है पर्दा माया
प्रभु सर्वपरि है। देखे तू अक्षरधाम का निवासी, तुझे देखे नजर प्यासी, तू अक्षरधाम का निवासी, तुझे देखे नजर प्यासी, तू दिलबर है भरत भाई का, तू मोहब्बत है गुरु जी की, तेरी मूरत तेरी मूरत तेरी मूरत 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 तेरी मूरत ना छोड़ेंगे, तेरे वचन 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 तेरे वचन ना तोड़ेंगे। ना रख अपने स्वरूप को छिपा करके दबा करके, जरा अपने स्वरूप को प्रकट करा दे, तेरी महिमा में समझ में तो आए, जरा अपने स्वरूप को प्रकट करा दे, तेरी महिमा में समझ में तो आए, तेरी महिमा जो समझ ना पाए तो अक्षरधाम में स्थान नहीं है। पर्दा है पर्दा माया का पर्दा, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है, इस पर्दे को झट से हटा ले, वशिभाई तेरा काम यही है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है। करके सुखी किया है, किसी का लाड़ करते हो, किसी को, किसी को, किसी का लाड़ करते हो, किसी को प्यार देते हो, किसी का लाड़ करते हो, किसी को प्यार देते हो, यही दस्तूर है इनका, मेहर मजबूर है इनका। महासंग माँ पूजा के संकल्प से सभी का काम करते हो, पूजा के संकल्प से सभी का काम करते हो, सभी का काम करते हो, सभी का काम करते हो। पर्दा है पर्दा माया का पर्दा, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है, इस पर्दे को झट से हटा दे, वशिभाई तेरा काम यही है। पर्दा माया का पर्दा, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि है, पर्दा है पर्दा माया का पर्दा, पर्दे के पीछे प्रभु सर्वपरि। धन्यवाद 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 निखिल भाई गार्डन औरंगाबाद मंडल, बहुत ही अच्छा भजन आपने सबको सुनाया। इस भजन का छोटा सा इतिहास है।
इस भजन को बनाने के लिए निखिल भाई गढ़ को शब्द नहीं मिल रहे थे, वो नहीं बना पा रहे थे कि मैं शब्द कैसे लाऊं और कैसे इस भजन का निर्माण हो, लेकिन उन्होंने 4 घंटे धुन करके ये भजन ट्रेन में आते हुए बनाया है औरंगाबाद से। अभी टाइम है कुछ और लकी विनर्स का। इस बार लकी विनर्स हमारी बहनों में से होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि फॉरम बहन को कि वो चिट्स वगैरह जो है वो दीदी के पास ले जाएं, दीदी एक चिट निकालेंगे, एवं बको बहन से प्रार्थना है कि वो भी एक चिट निकालें। आज हमारे फॉरम बहन का भी जन्मदिन है। कमलाबेन संगार, कमलाबेन संगार, कमलाबेन संगार, दोनों है अंतेवासी। काकाजी और पप्पाजी दोनों है अंतेवासी। एक में अक्षर धाम बसे हैं, एक अक्षर के निवासी। एक में अक्षर धाम बसे हैं, एक अक्षर के निवासी। कमलाबेन संगार और पप्पा जी, कमलाबेन संगार हमारे आत्मीय ऐसे हरिभक्त हैं, और उनका सुपुत्र सुहास भाई संगार जो हमारे ऐसे युवक थे, सत्संगी युवक थे, अभी भी वो सत्संग में हाजिर ही हैं, और उनका जन्मदिन भी थोड़ी दिन पहले ही गया है। 1 जुलाई को उनका जन्मदिन था, और बहुत सत्संग की सेवा करी है उन्होंने। आपको लाख लाख धन्यवाद। राधाबेन पटेल, राधाबेन पटेल, राधाबेन पटेल अभी हाजिर नहीं है। भाणीबेन, भाणीबेन से प्रार्थना है कि वो राधाबेन का गिफ्ट कलेक्ट कर ले। सब सुरदता एकता से भरे हैं दोनों चेहरे। ये जो दोनों भक्तों का नाम आया है, कमलाबेन संगार और राधाबेन पटेल, उन दोनों ने हमारे आत्मीय युवक दोनों भी, उनके जो सुपुत्र हैं वो स्वधाम पधार चुके हैं। सुहास भाई संगार भी धाम में पहुंच गए हैं, और अभी हाल में ही लोमेश भाई का भी निधन हुआ है, तो उनके लिए हम 2 मिनट प्रार्थना भी करेंगे। 2 मिनट धुन भरत भाई ने कहा है कि हम 2 मिनट धुन करेंगे उनके लिए, और भाणी बहन से प्रार्थना है कि उनका गिफ्ट स्वीकार कर लें। हम 2 मिनट उनके लिए धुन करेंगे। स्वामी नारायण स्वम 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 नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वम नारायण स्वामी 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 नारायण सहजान स्वामी महाराज। सागरदा से बधारे हुए परम पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रासंगिक उद्बोधन दें। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम नि जय, गुणातीत समाज नि जय। काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी महोत्सव नि जय। परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी महाराज, गुरु भक्ति महोत्सव नि जय। आज के आनंद की जय। आज
खूब खूब आनंदनो दिवस अपना सौनाय लाडीला अने काकाजीनी आ समाज ने भेट एवा पूज्य वसी भाई नो 63मो प्रागट्य दिन मैं जारे साकरदा में वसी भाई भरत भाई और अरुण भाई की साकर तोला मनाई गई थी उस वक्त भी मैंने ये बात बताई थी वसी भाई के बारे में कि वसी भाई का सबसे अहम गुण के जो सबसे बड़ा गुण है वो उसका हास्य और उसका प्रेम सामने वाले को कैसे वश करना वो उसके हास्य में है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वसी भाई जो वशीकरण करे उसका नाम वसी भाई वो सभी को वशीकरण करते हैं इसीलिए मैं उसको वसी भाई कहता हूँ वसी भाई इतने बड़े पद पर है फिर भी जब हम उसको देखते हैं या उसके प्रसंग में जब हम आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा सेवक है उसको अपनी कोई ज़रूरत नहीं है मैं तो इनके साथ इतना ज़्यादा रहने का प्रसंग नहीं मिला है यहाँ आते हैं वो समय उस समय आते हैं तब मिलते हैं उतना ही हमारा प्रसंग होता है फिर भी मैंने उसके जीवन से जो ग्रहण किया वो ये उसकी सादगी उसका प्रेम उसको कोई अपनी ज़रूरत नहीं है नकर इतना फिर भी जो इतना बड़ा ऑफिसर होता है तो उसके पीछे गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब फौज होती है यहाँ तो हम देखते हैं कि जब हम संत लोग आते हैं या कोई हरिभक्त आते हैं तो हमारे पीछे पीछे वसी भाई घूमते हैं तो ये जगत से उल्टा है यहाँ ये उसको जो जगत की मोटाई है इतना बड़ा वो काम करते हैं आज जगत में जाके फिर भी उसका उसको पास नहीं है ये पास नहीं है इसका कारण है कि उनकी शुद्ध हृदय की भक्ति काका जी प्रत्यय पापा जी प्रत्यय की उनकी जो अनोखी जो भक्ति है वो भक्ति की वजह से उसको इन सभी का पास नहीं लगा है नहीं तो ये जगत ऐसा है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर रहते हुए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है लेकिन उसका लक्ष्य केवल अपने स्वरूप की ओर और अपने ध्येय की ओर ध्येय सब इतना बड़ा लेके वो बैठा है अभी किसी ने बोला कि काका जी और पापा जी का ये जो महोत्सव आने वाला है बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव उसकी लगन लेके वो बैठे हैं मैंने सुना कि वो अब अमेरिका में गए थे वहाँ इतना वितरण किया और इतनी महापूजा की इस बारे में तो वो तो अपना काम करते ही रहते हैं करते ही जाते हैं और करते ही रहेंगे लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है माफ़ करना मेरी भाषा थोड़ी रफ है तो किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना पहले से मैं माफ़ी मांगता हूँ हमारा भी कुछ फर्ज होता है हम यहाँ मैं ये बात दिल्ली में भी बताई थी कि हम इकट्ठा होते हैं आते हैं कथा सुनते हैं समय मनाते हैं डेकोरेशन करते हैं उसका गुणगान गाते हैं लेकिन जब हम यहाँ से छुटा पड़ते हैं तो हम सब भूल जाते हैं ये भूलने के लिए सब नहीं हो रहा है ये सब हमेरो अभी हमारी जिम्मेदारी है ये सब स्वरूपों और स्वामी जी पप्पा जी हरिप्रसाद स्वामी जी अक्षर विहारी स्वामी जी गुरु जी ये सब हमारे लिए इतना श्रम कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उसको सहयोग करें सहयोग में क्या है कुछ नहीं है थोड़ा अपनापन छोड़ के उसके पन में हम भर इकट्ठे हो जावे तो ये सब अच्छा लगेगा मैंने दिल्ली में भी बताया था कि हम सब बात करते हैं सम सूर्य भाव एकता की लेकिन जब हम हमारे अंदर जाके सोचे कि हम ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो कर रहे होते तो बार बार ये सभा में प्रश्न उठाना नहीं चाहिए कि हम शब्द व्यक्ता रखें हम शब्द व्यक्ता रखें ये जब तक हम उठाते रहते हैं तब तक हम नहीं रखते हैं ये सही बात है तो आज हम ऐसा
संकल्प करें वसी भाई का जन्म दिवस, वह समस्त भाव का सम्राट है, वो सम्राट के प्रागट्य दिन पे आज हमेशा संकल्प करें कि ऐसी बातें बार बार हमको न कहनी पड़े। मैं समाज में घूमता रहता हूँ, हम विचरण करते हैं हमारे निष्काम स्वामी के साथ, तो कई जो लोग आते हैं अपनी सभा में पहली दफा दूसरी दफा, वो लोग हमको क्वेश्चन करते हैं कि आपकी सभा में हम आते हैं तो एक ही बात सुनते हैं, बस समस्त भाव व्यक्त रखो, समस्त भाव व्यक्त रखो। आप लोगों के पास दूसरा कोई एजेंडा है या नहीं है? तो हमको ये सोचना है, हम इतना साल से सत्संग करते हैं फिर भी एक ही बात हमको ये करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज वसी भाई के प्रागट्य पर्व पर यहाँ तो बोलने का तो बहुत कुछ है उसके लिए, लेकिन टाइम की पाबंदी है, इसीलिए मैं मेरा बहुत सीमित रख के मैं हमारा वक्तव्य पूरा करूँगा। आज वसी भाई के प्रागट्य पर्व पर हम सब एक ठान ले कि बार बार ये बात ये सत्पुरुषों को हमको करनी न पड़े, हम खुद समझ जावे हमको क्या करना है। सबको मालूम है क्या करना है लेकिन हम करते नहीं है, यही बात है। सबको मालूम है क्या करना है, करना है अवश्य करना है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आज किसी को कुछ मेरा बात खोटी लगी हो या किसी को दुख हुआ हो तो माफ करें। जय स्वामीनारायण। हार विधि का सत्र और गिफ्ट सेशन का सत्र थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए पवई मंडल की बहनों की ओर से बनाया हुआ हार मैं परम पूज्य अश्विन भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे परम पूज्य वशी भाई को अर्पण करें। और वशी भाई कहते हैं रिटर्न में वशी भाई अश्विन भाई को पहनाएंगे। પ્રીતનો સમંદર થયું દર્શન ને ઠર્યું વાંતર ઓ હવે ફિકર કોઈ વાત ની શું કરવી। દિલ્હી મંદિર સે ગુરુજી ને ભી વશીભાઈ કે લિયે એક એકદમ સ્પેશિયલ ગિફ્ટ બનાયા હૈ તો મેં અનિલભાઈ માનેક સે પ્રાર્થના કરૂંગા કે વે ગિફ્ટ વશીભાઈ કો અર્પણ કરે। તારી મૂર્તિ છે પ્રીતનો સમંદર થયું દર્શન ને ઠર્યું આંતર તારી મૂર્તિ છે પ્રીતનો સમંદર થયું દર્શન ને ઠર્યું આંતર ભૂમિયા થઈને પકડ્યો મારો હાથ ભવને મારગ ભૂમિયા થઈને પકડ્યો મારો હાથ परम पूज्य गुरु जी ने जो स्पेशल गिफ्ट वशी भाई से लिए बनाया है वे खुद तेड़ियो मुझने मात चाले तूने कपाय मारु अंतर। पूज्य गुरु जी वशी भाई को गिफ्ट अर्पण कर रहे हैं। કોઈ વાત ની શું કરવી ઓ હવે ફિકર કોઈ વાત ની શું કરવી એક પળ માં જીવાઈ ગયું જીવતર એક પળ માં જીવાઈ ગયું જીવતર ઓ તારી મૂર્તિ છે પ્રીતનો સમંદર થયું દર્શન ને ઠર્યું આંતર। वशी भाई वो गिफ्ट हमें दिखा रहे हैं, काका जी की सोफा पर बैठी हुई एक जूनी स्मृति, तारदेव मंदिर की स्मृति, काका जी की स्मृति। गुरु जी का गिफ्ट कुछ अद्भुत ही और अलग ही होता है सबके लिए।
उस फोटो के नीचे लिखा हुआ है श्री काकाजी महाराज ओरिजिनेटर पॉइनियर एंड वाइटल फोर्स ऑफ गुनातीत समाज ऐसे ही रिटर्न में भरत भाई और वशी भाई ने गुरुजी के लिए एक रिटर्न गिफ्ट ये किया है तो मैं भरत भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे गिफ्ट गुरुजी को अर्पण कर घर सहुए करे मारी संगवार गड़करी ए बुकामण की धूपळ मथयो महार ध्यान मजने धार सहुए करे मारी संगवार तो माणी रहे ये गुरुजी को जो हम अर्पण कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं काका जी और पप्पा जी शताब्दी का जो लोगो है उसका एक इनॉग्रेशन जैसा ही है बोलो काका जी महाराज पप्पा जी महाराज शताब्दी महोत्सव की ओ हवे फिकर कोई बात नहीं शुकर भी ओ हवे फिकर कोई बात नहीं शुकर भी एक फरमा जी बाई गयो जीवतर तारी मूर्ति छे प्रीत नो समंदर परम पूज्य दीदी ने भी आनंदी दीदी ने भी वशी भाई के लिए एक स्पेशल गिफ्ट ये किया है तो मैं वशी भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे दीदी के पास जाकर आनंद करूं लैन तारू नाम हा हरता परता आनंद करूं लैन तारू नाम हरता हरता तुझ ते थी मुझ आत्म ने आराम हरता परता आनंद करूं लैन तारू नाम करता हरता तुझ ते थी मुझ आत्म ने आराम व्यापी गई छे नी रात मारी अंदर थयू दर्शन ठरियू अंतर ऐसे ही पवई मंडल की तरफ से मैं जयू बहन से प्रार्थना करूंगा कि दीदी को रिटर्न गिफ्ट दे कोई बात नहीं शुकर भी ओ हवे फिकर कोई बात नहीं शुकर भी एक परमा जी बाई गयो जीवतर एक परमा जी बाई गयो समंदर थयु दर्शन ठरियु अंतर साकरदा से प्रवधारे परम पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी से प्रार्थना करूंगा कि वो संत मंडल के ओर से परम पूज्य वशी भाई को हार अर्पण करे ओ हवे फिकर कोई बात नहीं शुकर भी ओ हवे फिकर कोई बात नहीं शुकर भी एक परमा जी भाई गयो जीव कर तारी मूर्ति छे प्रीत नो समंदर तयु दर्शन ने करियु अंतर तारी मूर्ति छे प्रीत नो समंदर तयु दर्शन ने करियु अंतर पूज्य गुरुजी वशी भाई को दिया हुआ गिफ्ट अपने हाथों से उनको लगा रहे साकरदा मंदिर से ब्रह्मानंद स्वामी से प्रार्थना है कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें ऐसे ही साकरदा मंदिर के भक्तों की ओर से परम भक्त कौशिक भाई को प्रार्थना करूंगा कि वे परम पूज्य वशी भाई को हार अर्पण करें
पप्पा जी दोनों है अंतेवासी, काका जी और पप्पा जी दोनों है अंतेवासी। एक में अक्षर धाम बसे हैं, एक अक्षर के निवासी, एक में अक्षर धाम बसे हैं, एक अक्षर के निवासी। और पप्पा जी दोनों है अंतेवासी, एक में अक्षर धाम बसे हैं, एक अक्षर के निवासी। काका पप्पा बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव मनाए, आओ गुणातीत भाव की ज्योत से ज्योत जलाए, शताब्दी महोत्सव मनाए। सही साकरदा मंदिर से मौलिक भाई से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने वशी भाई के लिए एक मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाए हैं, तो मैं मौलिक भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो मिठाई वशी भाई को अर्पण करे। वशी भाई और सभी मंचस्थ स्वरूपों को हिमालय से ऊंचे और पाताल से जो है गहरे, सब सुरद का एकता से भरे हैं दोनों चेहरे। हिमालय से ऊंचे और पाताल से जो शिकागो सागर साधक भाइयों की ओर से विराट भाई, सूरत भाई और विजय भाई ने हार जो भेजा है, मैं घनश्याम भाई को प्रार्थना करूंगा कि वे वशी भाई को अर्पण करें। औरंगाबाद मंडल से नरेश भाई, जीवन भाई और संदीप भाई को प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने वशी भाई के लिए जो स्पेशल वाघा और पाग बनाया है वो उनको अर्पण करें। पहले किसी ने योगी जी को सही नहीं था जाना, नरेश भाई, जीवन भाई, संदीप भाई सबने सही पहचाना। बहुत ही अद्भुत सुंदर वागा और पाग उन्होंने उनके लिए तैयार की है। पप्पा बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव मनाए, शताब्दी महोत्सव मनाए। वशी भाई ने वो ठाकुर जी को अर्पण किया है। आज्ञा वशी भाई ने तुरंत ये करते हुए, पहले ना बोल रहे थे बट गुरुजी की आज्ञा उन्होंने तुरंत ये की और सुंदर वागे में और पाग में वशी भाई के हम दर्शन यहाँ कर रहे हैं। महिलाओं के लिए गुणातीत ज्ञान सुलभ कर पाया, हर मार्ग पर चलने का सही तरीका भी सिखलाया, शुद्ध उपासना करके सिद्धि अनुरागी सब पाए, काका पप्पा बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव मनाए, शताब्दी महोत्सव मनाए, ज्योत से ज्योत जलाए, शताब्दी महोत्सव मनाए। वशी भाई का मैत्री भाव, वशी भाई का ये उन्होंने भरत भाई को वागा पहनाया है।
रूप दर्शन हमें यहाँ करने को मिल रहा है। है इतिहास गुणातीत भाव प्रकट यही होना था। काका जी पप्पा जी को ही ज्योत से ज्योत जलाना था। गुणातीत ज्योत की ओर से मैं हर्षद भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ काका जी महाराज और वशी भाई को अर्पण करें। पहले प्रभु का स्मरण बाद में मिलकर कदम उठाए। काका पप्पा बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव मनाए। शताब्दी महोत्सव मनाए। ज्योत से ज्योत जलाए। शताब्दी महोत्सव मनाए। गुणातीत ज्योत की ओर से हर्षद भाई से प्रार्थना है कि वो काका जी को हार और वशी भाई को पुष्प गुच्छ अर्पण करे। वापी मंडल से पधारे रमन भाई और दिमेश भाई से प्रार्थना है कि वे वशी भाई को हार अर्पण करें। ये जग सारा प्रीत का मेला। हार और पुष्प गुच्छ अर्पण करें। कमेला आनंद का खेला है। आनंद करो आनंद करो। ये जग सारा प्रीत कमेला आनंद का खेला है। आनंद करो आनंद करो। निरपेक्ष निर्गुण गुणातीत भाव ही रेला है। आनंद करो। हमारे पवई मंडल की म्यूजिक मंडल जो है हमारा, उसकी ओर से मैं प्रशांत भाई और सचिन भाई को प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो गिफ्ट और कलगी वशी भाई के लिए लाए हैं वे उन्हें अर्पण करें। कल्याण मंडल के भुलकाओं ने वशी भाई जैसे भुलके के लिए एक सरप्राइज ग्रीटिंग है वो उन्होंने लिखा है। मैं पीयूष भाई खोरेसिया से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें यहाँ पढ़ाए। कल्याण मंडल के भुलकाओं से प्रार्थना है कि वो ग्रीटिंग वशी भाई के पास ले आए। हमारे वडनेरे साहब कल्याण मंडल के सक्रिय सत्संगी हैं जो इन बच्चों को ट्रेन करते हैं, बाल सभाएं लेते हैं और इनको आगे मार्गदर्शन दे रहे हैं। और वो सरप्राइज सा ग्रीटिंग जो बच्चों ने तैयार किया है वो वशी भाई के सामने लाया जा रहा है। आओ
बच्चों मिलकर गाए एक दो तीन, मैत्री मिलन महोत्सव का आया सुनहरा दिन। अब इन भुलकाओं की जो प्रार्थना है मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। कल्याण बाल मंडल की ओर से सबको वशी काका के प्रागट्य दिन के खास खास जय स्वामी नारायण। कल्याण बाल मंडल के बालक बालिकाओं ने स्वामी नारायण मंत्र पोथी का लेखन किया है। सई, अश्विनी, सिद्धि, रितिका, यश, आदित्य, आर्य ने मंत्र पोथी का लेखन पूर्ण किया है और अमित, सुजल, निमित, वेदांत, नीति इन बच्चों का मंत्रपोथी लेखन शुरू है जो जल्द ही वो पूर्ण कर लेंगे। सभी मंत्रपोथी पर महाराज के चरणारविंद पे जो चिन्ह है जैसे कि ध्वज, कलश, स्वस्तिक, गोपद, अंकुश, शंख तथा चरणारविंद एवं तिलक चांदला का रेखाटन किया गया है और उन सब मंत्रपोथियों को इकट्ठा करके एक बड़ी मंत्रपोथी बनाई गई है जो वशी काका के प्रागट्य दिन पर हम आज उनको भेंट स्वरूप दे रहे हैं। इन सारे बच्चों का यह संकल्प है कि वो काका जी पप्पा जी शताब्दी तक प्रत्येक 5 मंत्रपोथी का लेखन पूर्ण करेंगे। उनका यह संकल्प पूर्ण होने के लिए आप सारे संत जनों एवं काका जी के चरणों में और भगवान स्वामीनारायण के चरणों में वो प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भुलकाओं की प्रार्थना है और वो ग्रीटिंग्स लेकर आए हैं। 8, 9, 10, 11, 12 कहता हूँ मैं दोबारा, काका जी की राह पे चले तो खुशियों का ही नजारा। 8, 9, 10, 11, 12 कहता मेरठ से आए हुए हमारे दिनेश भाई, उनसे प्रार्थना है कि वो अपना पुष्प गुच्छ जो है वो वशी भाई को अर्पण करें। मेरठ से आए दिनेश भाई वशी भाई को पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। आनंद करो ये जग सारा प्रीत का मेला आनंद का खेला है। आनंद करो मंडल की ओर से मुकेश भाई को प्रार्थना है कि वो जो बुके लाए वो वशी भाई को अर्पण करें। आनंद करो, आनंद मुकेश भाई के साथ प्रेम जी भाई को भी मंच पे स्वागत करूंगा। वसुदेव है कुटुंब हमारा, विश्व हमारा घर है, विश्व हमारा घर है। वसुदेव है कुटुंब हमारा, विश्व। बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे विशिंग और बहुत सारे विशेज और बुकेज तो हम वशी भाई को अर्पण कर चुके हैं और अब हमारी बारी रिटर्न गिफ्ट लेने की है। हमने सबने कुछ ना कुछ अर्पण किया है वशी भाई के लिए, कि उन्होंने प्रार्थना करी है, धुन करी है, भजन किया है और ऐसे गिफ्ट भी लाए हैं। तो अब हमारा समय आ गया है कि जी हम रिटर्न गिफ्ट वशी भाई से लें। तो वशी भाई को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज उनके जन्मदिन पे बारिश तो 3-4 दिन से बरस नहीं रही है, पर आप यहाँ पे दिल खोल के बरसे और सबको आशीर्वाद दें। प्रचार यागड़ पूरे बे देश गादी करी अंतर ध्यान तयानति हरितमे गुणातिते छो प्रगट जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जैनी ब्राह्मी स्थिति अहो लिन करे सुव्याक्षर पदे शरणागत अल्प निज अल्प जीव सौनाश्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे।
जैनी वाणी विषय अखंड वैती सूरावली ब्रह्मनी किंदु दयगनाद अल्प समीपे रसबस सहू मारही जीवे जे अलमस्त स्वामी सृजिमा छे मोक्षदाता वड़ी पप्पा जोगी स्वरूप विभुचरणे झुकी रहूं भावती दीक्षा अर्पी अहो गुणातीत समी जैने गरु जोगी ए काका ने वड़ी आप दिव्य द्वैनु अद्वैत नो कूज छे भेदे साक्षी अनंतना स्वरूपा शास्त्री महाराजनु एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा सेजान स्वामी महाराज निजय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजय सर्वे गुणातीत स्वरूपो निजय जय जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसबाई साहेब सुहृदम अमृत महोत्सव की जय 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 आज के आनंद की जय जय। पहले तो इतने सारे भक्त गुरुजी सकरदा वाले गुरुजी ब्रह्मानंद स्वामी भरत भाई राजू भाई और जादू जी भाई है तो मुझे लगता है मेरी लॉटरी लग गई। जो पंड्या साहब एग्री करेंगे भागवत में एक बात आती है कि वो 3.5 वज्र जमा हुए तो वो घोड़ी या तो अप्सरा सीधी स्वर्गलोक में चली गई, उसका काम हो गया। तो आज मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि वो अपना बस काका जी पप्पा जी का कुछ शताब्दी का कुछ अच्छा माहौल और अच्छा बने। आज ये सब स्वरूप जमा हुए हैं तो धुन करते हैं कि ये जबरदस्त कोई विस्फोटक हो जाए और हम उसमें निमित्त बन सके, उसके लिए धुन्य करते हैं। स्वामी नारायण चौबरान 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 नारायण जम 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 नारायण ओम स्वामी नारायण जम 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 नारायण हे महाराज गुणात्यान स्वामी गोपालान स्वामी भगत जी महाराज आगा संकृष्ण शास्त्री महाजो की महाराज काकाजी बाबाजी हरिप्रसाद स्वामी अक्षय से महान स्वामी प्रमुख स्वामी जसबाई साहेब दिनकर दादा हे गुरु जी भरत भाई हे संतोष नारायण सदनान चमरान 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 हे दयालु अच्छा डिरेक्शन दे देना, अच्छा माहौल दे देना। हे महाराज हे स्वामी हे काका जी चमरान 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 नारायण चमरान 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 हे महाराज हे स्वामी हे बापा हे काका जी जमरान 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 सहजान स्वामी महाराज। तो पहले तो काका जी और पप्पा जी की शताब्दी की बात करते हुए अगले साल 2016 10 आज गुरु जी को बता रहा था 10-11-12 जून 2016 अक्षय स्वामी जी गुरु जी स्वामी जी भी इससे भी बात हो गई साहब को भी और डेट कंफर्म कर सबका कंफर्मेशन डेट लॉक किया गया है 10-11-12 जून 2016। सो हम सबको जाना है यस और नो? तो दिनकर भाई ने बोला है गुरु जी ने अक्षय स्वामी जी ने भरत भाई ने 100% सपोर्ट किया है, जो वीजा अप्लाई करेगा उसको मिल जाएगा। जैसे पेरिस में अभी वो उसने बताया कि चमत्कार हुआ था, वो काका जी ने ही करा था सचमुच, और इसी गरज वापिस काका जी और पप्पा जी ने ग्रहण करी है जिसके लिए हम घंटी बजाने के लिए जैसे वो रामानंद स्वामी बोलते थे मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ नटेश्वर तो आ रहा है, ऐसे डुगडुगी बजाने के लिए अमेरिका गए तो एक जबरदस्त रिस्पॉन्स जबरदस्त जिसको बोलते हैं यू कैन सी दी वेव्स करंट, वो करंट गुरुजी वहाँ देखने मिला और जहाँ बिल्कुल कोई
अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऐसी नई नई जगह में जाते थे तो 100-200 आदमी महापूजा में आते थे। और जैसे काका जी एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यू डू दिस आई एम देयर विथ यू, ऐसा एक जबरदस्त 2016 में जो काका जी और पप्पा जी का शताब्दी का एक चरण शिकागो में मनाना है, उसके लिए एक हम सब कटिबद्ध होके वो शुरुआत हो चुकी है। और उसका पहला एग्जाम्पल जो भी हम लोगों ने इनका अभी आज सुबह मदन आए थे, गुरुजी इनका पासपोर्ट देखो, ये जस्मीन, हितेन और अरुण भाई सबका पासपोर्ट में दो तीन टाइम ये बात जाहिर में बोलने जैसी नहीं है, पर फिर भी मैं बोलता हूँ काका जी का डायरेक्शन कौन सी एंगल में है। उनका कोई पासपोर्ट देखा तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। जस्मीन तो उसको बोलने के लिए इंटरव्यू में जाओ तो गेंगे फेंगे करता है, लेकिन वो जो ये गए विजय स्वामी और वो भी वो प्रोग्राम चेंज हुआ उसके बदले माँ पूजा का हो गया, लेकिन वो गए तो ऐसा चमत्कार हुआ कि वो सबको वीजा मिल गए। बोलो सात में से छः को। मैं ये कोई चमत्कार के रूप में या उसमें नहीं बोल रहा हूँ। जस्मीन का बाप जब भी जस्मीन पहली बार इधर आया 2003 में, उसको मैं घसीट के लाया था कि भाई तू चल इधर, मेरे को सुबह में आरती करने के लिए चाहिए एक। तभी उसका बाप मुझे बहुत बोल रहा था, उसके पापा धाम में गए अभी, तो कि इसको तुम अमेरिका भेजना अमेरिका भेजना। तो वो टाइम पे अगर उसको देखो तो ऐसा लगे कि ये क्या करेगा क्या जाएगा, बट आज उसको वीज़ा मिला। मुझे लगता है उसका बाप स्वर्ग में बैठ के बहुत अक्षता में बैठ के खुश होता होगा कि इसको। तो ये सब काका जी का एक डायरेक्शन है, इशारा है कि यू गो हेड। हर चीज़ हर जबरदस्त घटना एक छोटी सी बूंद से ही शुरुआत होती है। गंगा की शुरुआत भी एक गंगोत्री से ही होती है, जहाँ गंगा छोटी बहती है, बाद में जाके बहुत बड़ी गंगा हो जाती है। तो ऐसा शुरुआत हो गई है। और गुरु जी के साथ जब जब भी शताब्दी की बातें हुई तो उसमें बात तो यही हुई थी कि मैं और घनश्याम भाई गए थे गुरु जी के पास। हमारा भाव ये था कि साकरदा का मंदिर जो अक्षर पुरुषोत्तम के इतिहास में विमुख होने के बाद काका जी ने जो फर्स्ट कोई मंदिर किया हो तो वो साकरदा का है, तो उसका अच्छी तरह से रिनोवेशन करके वो वहाँ भी अच्छा शताब्दी के पहले हो जाए वो, बिकॉज भी दो साल ही अपने पास टाइम भी बहुत कमी है, और इसके लिए घनश्याम भाई आए हैं, सब प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी एक जबरदस्त काम है वो हो जाए। और हमारे जो सब स्वरूप हो गुरु जी अक्षय स्वामी ज्योतिबेन दीदी वो सब दे आर ऑल क्रॉसिंग 78, 79, 80 स्वामी जी, उसकी तबीयत अच्छी रहे, हमको शताब्दी में उनका अच्छा लाभ मिले, उनका अच्छा आशीर्वाद मिले, ये भी आज इतने सारे भक्त जमा हुए हैं तो वो भी संकल्प करते हैं। तो ये शताब्दी का बाद पहला चरण अमेरिका में, जिसके लिए आज मैंने गुरु जी को भी प्रार्थना करा, दीदी को भी बोला आनंदी दीदी को कि मैंने आपकी ओर से दिनकर भाई को कमिट दे दिया है, मैं 4 कोच लेके आने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपका रिस्पॉन्स देख के अभी दिनकर भाई को बोलना पड़ेगा 8 कोच। सी रेस्ट्रिक्शन इज माइंड, देर इज नथिंग, नो देर इज नो इटर्नालिटी में देर इज नो यू नो। अक्सर ब्रह्म की हम पारायण की शुरुआत करी तो उससे ही ब्रह्मांड शुरुआत करी थी। द माइंड द लिमिट इज इन माइंड, देर इज नो लिमिट। तो आज गुरु जी सकरदा वाले गुरु जी भरत भाई दिव्य स्वरूप से, तो हरिप्रसाद स्वामी जी काका जी पप्पा जी साहेब सभी दिव्य स्वरूप हमारे साथी है, इसीलिए आज धुन किया और ये प्रार्थना किया। मुझे बहुत 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 विश्वास है कि जबरदस्त काम होने वाला है, जबरदस्त शताब्दी काका जी और पप्पा जी की होने वाली है। खाली हम निमित्त बने, इतने हम सब है इधर भाइयों बहनों संतों गृहस्थों सब मिल के जो अद्भुत चीज़ काका जी ने दी है, गुणात्यान स्वामी ने जो गुणातीत भाव दिया है, जो हमें अभी पता चला योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज ने जब वो चैप्टर ओपन किया कि स्वामीनारायण क्या है, तो आज देखो अभी मैं 2 दिन पहले गुजरात गया था तो गुजरात में तो
गुरुजी आप 10-15 किलोमीटर चलो ना स्वामीनारायण का मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर एरो, स्वामीनारायण मंदिर एरो, जहाँ भी जाओ। तो गुजरात में तो इतने मंदिर हो गए हैं कि इट्स रियली अपना लगा कि 200 साल में अगर इतना है तो आगे जाके क्या होगा। तो हमें ये स्वामीनारायण का चैप्टर जो खुला है उसमें जो ये जो गुणातीत भाव में रहने की बात, तो नरेश ने बोला, उसने प्रार्थना की, उसने हम सबकी ओर से प्रार्थना की है गुरु जी को, भरत भाई को, दिनकर भाई को, स्वामी जी को, पप्पा जी को, काका जी को, कि हमें सचमुच ऐसा बनना है। और इसीलिए आज शपथ लेना है कि रियली वी वॉन्ट टू डेडिकेट अवर सेल्स टू काका जी एंड पप्पा जी, कि हम, मैं तो ये बोलता हूँ कि इसमें अपना स्वाध्याय भी आ जाता है, वो जो संकल्प है उसमें, कि हमें सुबह शाम का भजन भी हमारा अच्छा भजनिक बनना है, जो भगवान अपने को लगे, लाइक करे कि अच्छा भजनिक लड़का है, ऐसा भजनिक बन के काका जी का ये जो शताब्दी का 2017 में अभी अबाउट 2.5 ईयर्स से समझो कि अबाउट 1000 डेज, लेस देन 1000 डेज, हर एक दिन का प्रोग्राम बना दे उस तक का, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लोग रिलायंस 25 साल की बैलेंस शीट लिखती है नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो हमको तो खाली 3 साल का करना है। तो वो करके हम ये, हमारे सामने गुरुजी है, भरत भाई है, दिनकर भाई है, हमारे सामने है, जो सब हम पढ़ते हैं वचनामृत स्वामी की बातों में, वो हमारे सामने बैठे हैं। तो हमारी, हम क्यों छोटा संकल्प करें। इसीलिए आज गुरुजी की हाजिरी में ये सब बात किया और संकल्प किया है, गुरुजी आप जरूर जरूर भरना और पूर्ण करना, वो पहली संकल्प है। बर्थडे का तो इन लोग ने करा, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं तो इतना छोटा सेवक हूँ कि एक गुरुजी और भरत भाई का बड़प्पन है कि उनकी हाजिरी में मेरा जन्मदिन मनाते हैं, नहीं तो मैं एक लड़का हूँ, एक लड़के का जन्मदिन क्या मनाने का, उसको तो इट्स अ, इट इज़ देयर ग्रेटनेस। भरत भाई की और गुरुजी की महानता है कि वो उनकी हाजिरी में मेरा जन्मदिन मनाते हैं, तो उनकी दिट इज़ देयर ग्लोरी। और आप तो आज आशीर्वाद देना कि हम, ये हमारा जो गोल है, जो काका जी ने जब भी हमारे को टीका किया होगा कि इसके लिए आपको पृथ्वी पे लाया हूँ, जो कसर डालने के लिए आप पृथ्वी पे आए हो वो कसर टल जाए, जिसके लिए आपको पृथ्वी पे लाया गया है वो मिशन कंप्लीट करके आप जब भी ये पृथ्वी पे से विदाई लो तो वो मिशन कंप्लीट हो जाए, ऐसी आज संतो गुरु जी भरत भाई के चरणों में प्रार्थना है। बच्चों के साथ जो कर रहा हूँ, आज सुबह में प्राची बेन के पप्पा आए थे, वो उनके पप्पा है ना, हाँ पप्पा आए थे, वो कितना आगे है दुनिया, जैसे वो इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल, पहले बिहेवियरल साइंस आया, अभी बिहेवियरल इंटेलिजेंस उसको वो करते हैं उसमें, वो उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया, बिहेवियरल एनालिसिस, हाँ सुधीर शाह, ट्रेनर एंड बिहेवियरल मैपिंग एक्सपर्ट। नॉर्मली आप पहले ब्रेन मैप करते हो कि आदमी का ब्रेन कैसे चलता है, हाउ ही वर्क्स, यू नो, नाउ दे मैप द बिहेवियर। ये बहुत, ये मैं बात इसीलिए बताता हूँ कि शताब्दी के लिए इसका बहुत रिलेवेंस है, बिहेवियरल मैपिंग। गुरुजी मुझ समय में बता रहा था कि जैसे आजकल सब एक्सपर्ट होते हैं, डेंटिस्ट में भी, डेंटिस्ट का भी एकदम सुपर सुपर एक्सपर्ट होते हैं, वो एग्जैक्टली बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ ऐसे गुरुजी हैं जो सुपर 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 स्पेशलिस्ट है, जो बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बिहेवियरल मैपिंग में कि आपकी बिहेवियर से पता चल जाए कि आप क्या करने का आए हो, आप साइंस अच्छा करोगे, मैथ्स करोगे, एप्टीट्यूड जैसे उसको पहले बोलते थे, बट नाउ इट इज बियॉन्ड दैट एप्टीट्यूड टेस्ट, कि दिस पर्सन इज मेंट टू डू दिस, ही विल बिकम आर्टिस्ट, ही विल बिकम मैजिशियन, ही विल बिकम डांसर, ही विल बिकम अ क्रिकेटर, ही विल बिकम व्हाट इज दिस इन हार्ड कोर, इनर कोर ऑफ दैट पर्सन, इट इज स्पिरिचुअल। तो अगर साइंस टेक्नोलॉजी अगर ये बात तक पहुंची है, तो हमको तो ये बात गुणात्यान स्वामी ने पहले से बताया है, स्वामी की बात में भी है, और गुरुजी तो इस बात के इतने एक्सपर्ट हैं। हमारे वहाँ एक
प्रिसिस प्रोडक्ट्स करके कंपनी थी, मोल्ड बनाते थे, उसका मैनेजर था ज्योति प्रकाश। वो कुछ काम के लिए दिल्ली गया था, तो मैंने बोला तो तू दिल्ली रुकना गुरुजी के मंदिर में, तो वो दिल्ली रुका, उसको तो कुछ मालूम नहीं था। बोलते हैं कि गुरुजी इतने स्मार्ट है, जो आदमी चल के आता है ना, ही इज कमिंग, समबडी इज कमिंग टू हिम टू आस्क समथिंग, गुरुजी उसको बोले बिना ये करो। सी बिहेवियरल मैपिंग गुरुजी तभी करते थे। अभी वो पूछने आता है, आशीष आएगा तो उसको मालूम है, उसके पहले आशीष को बोलते तुम इसको बोल दो ये कर दो। कोई भी मैटर होवे, मंदिर की होवे, व्यवहार की होवे, स्पिरिचुअलिटी की होवे। तो मैं ये कहना चाहता था कि बच्चे लोग को जो मैं शनिवार की सभा या रविवार की सभा में काका जी बोलते, हम तो कुंभार है, कुंभार कुंभार क्या कहते हैं, शेप देते हैं, स्कल्पचर करते हैं कि भाई यू। तो अभी इनको क्या है, यूथ को दे नीड अ डायरेक्शन, दे नीड अ शेपिंग कि भाई यू ये करो और वो करेंगे। आज वो सागर ने बोला, वो सागर पहली टाइम सभा में आया, तुम देख देखे होंगे, तो उसके माँ अपना गुजराती में बोलते हैं ना, मोह प्रति माँ नदी उड़ती है, वो यानी माँ भी आज हाजिर होगी। बट आज वो सीमेंस में ही इज डूइंग वेरी गुड। इधर एक वो आया है अपना भगत, चंदन भगत आया ना, चंदन है, चंदन भगत, तो वो यहाँ पहले टाइम सभा में, शनिवार की सभा में आया था। उस पर भी ऐसा ही था, उसकी मम्मी डांटती थी मुझे कि बसी भाई नक्की नहीं कर रहा है कि उसको बीए के बाद जॉब करना है या एमबीए करना है, आ जाओ, तो एमबीए का नक्की नहीं कर रहा था। आप मानोगे नहीं, वो अभी आज गूगल में है, इन यूएसए, और गूगल में जैसा हमने बेटा गुरुजी से आशीर्वाद लो, गुरुजी आशीर्वाद काम थी जाए। नहीं मैं इसीलिए बताता हूं कि जैसा बेटा गूगल में ओपी विल अंडरस्टैंड कि गूगल में एक है ना, इफ यू ब्रिंग अ राइट एम्प्लॉय तुमको $5,000 मिलता है। तो तभी उसने कभी ज्वाइन किया 2011 में, आज 15 वर्ष, 4 साल से वो ट्राई कर रहा है, अभी तक उसको मिला नहीं $5,000। बिकॉज वो सेज के गूगल में इतने इंटरव्यू होते हैं, वो इंटरव्यू पास करो बाद में गूगल में जॉब मिलती है। तो बोलते अभी तक कितने बायोडा दिए बट अभी तक $5,000 मिला नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग यू इज दैट डिफिकल्ट, बट उसमें उसको मिला। और वो तो कहने का मतलब है, ये दिस इज द पावर ऑफ द सभा, जो योगी जी महाराज ने जो हमें बोला था कि जो रविवार की सभा भरेगा 25,000 का फायदा वो टाइम पे। अपन जो गुरुजी बात बहुत बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बड़े पुरुष बोलते हैं ना उसकी बात एकदम लाइटली लेते हैं। वो टाइम के 25,000 रुपया मेरे हिसाब से अभी इन फाइनेंशियल टर्म्स, वो बात उन्होंने 56-57 में बताई होगी, तो आज उसका 25 लाख रुपया तो मिनिमम होगा। अभी 25 लाख रुपया आपने को कोई देवे हैं त्रिवेदी जी, तो सब छोड़ के आप सभा में बैठोगे कि नहीं बैठेंगे, बोलो। मारवाड़ी है, मारवाड़ी तो सब पैसा का पहला गिनता है, तो वो सब छोड़ के बैठोगे कि नहीं बैठोगे 25 लाख रुपया। बट हम ये वर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और इसीलिए जो ग्रोथ आना चाहिए, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो काका जी तो एक तो भुक्ति मुक्ति और स्थिति बोलता है, निष्ठा वाला भक्त दुखी हो ही नहीं सकता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। अगर है तो मानना कहाँ, नॉट 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 डोरा फेयर जिसको गुजराती में बोलते हैं, सेंटीमीटर का फर्क है इन बिलीविंग। तो आज गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो जो दोहरा फेर है या तो चिनाई कागज वाला जो अंतराय है वो निकल जाए और एक विस्फोट हो जाए, हमारा अहम का विसर्जन होके जो आप करवाना चाहते हो, जो आपने बोला कि हम उसके ट्रू इंस्ट्रूमेंट बन के, हमें देख के हर कोई सोचे कैसे होंगे काका जी, वो आपका जो भाव था कि काका जी की शताब्दी सही महीने में तो वही है। इसलिए आज सुबह में 5 पॉइंट की बात करी सूरत भाव की, 5 म, वो इसीलिए करा कि अगर सच्ची काका जी को शताब्दी ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ 5-15 हिल मिल के सूरत भाव से एक दूसरे को कोऑपरेट करते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन के जिए, हम जहाँ सत्संग करते हैं वहाँ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बन के जिए, हम जहाँ ऑफिस में काम करते हैं यहाँ जिए। और वॉट आई एम डूइंग विद दिस किड्स इज जस्ट आई एम शेयरिंग वॉट काका जी डिड विथ मी। काका जी ने मुझे बोला तुमसे ये करो कि तुम महापूजा करो, तो सेम थिंग मैं उनको बोलता हूँ, देखो कुछ नहीं किया, उन्होंने जो बोला वो किया तो इतना हो गया। तो
तो आज वही अगर हम करेंगे, काका जी ने जो बोला है वही करेंगे, तो हमारा भी काका जी जबरदस्त जबरदस्त अपना घर तर कर देंगे कि दुनिया देखेंगी कि वाह ये क्या काका जी का सर्जन है। तो आज गुरु जी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि हम सब ऐसे जो आपने और भरत भाई ने, गुरु जी ने, अरे दिनकर भाई ने, बापू ने, सब ने जो हमारे लिए चित्र देखा है, आपने जो हमारे लिए ड्रीम किया है, ऐसे हम बन के आपके साथ जिए और भक्तों के साथ ऐसे दास के दास के दास के दास बन के प्रेम प्रेम से हिल मिल के हम्बलनेस से। गुरु जी का हम्बलनेस दिखता नहीं है उसको, दास ऐसा पसंद नहीं है, हाथ जोड़ दिया, बट प्रेम से इतने इतने घुल जाते हैं, इतने लो लेवल पे जाते हैं। जो मैंने साइंटिस्ट का बात किया, उसका सुपर स्पेशलिस्ट का बात किया, वो टेक्निकल है, ओपी ने वो बात कंप्लीट नहीं किया कि पूरा चरित्र उन्होंने पढ़ा गुणात्यान स्वामी का, लेकिन तुलसी देवे का प्रसंग छोड़ दिया था। तो महाराज ने क्या किया, भरत भाई ने कल वही प्रसंग बड़ा डिटेल में लिया, सात तुलसी दवे ना सात प्रश्नों, प्रश्न एक दो तीन, भरत भाई ने उसके चिपी चिपी उसके उसकी स्टाइल में एक 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 कंप्लीट करके। तो गुरुजी इतने खुश हो गए कि जो मैंने छोड़ा था, लेकिन देखो वहाँ हमारे और गुरुजी में क्या फ़र्क है, वहाँ हमने भी सुना लेकिन गुरुजी ने सुना, गुरुजी ने सुना कि वहाँ गुणातीतानंद स्वामी ऐसा बोले कि तुम सबको चौके थड़ पकड़ो। तो गुणातीतानंद स्वामी वहाँ जो बैठे थे वो भक्त को ऐसा इशारा देते थे कि तुम अभी स्वामीनारायण का थर्ड हूँ, मुझे पकड़ो। तो समाधि तो अष्टांगों के बाद की समाधि ऐसे है गुरुजी, वो टेक्निकल कितना पकड़ा थर्ड। हम आज ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी आपकी बात, भरत भाई की बात, दिनकर भाई की बात, आप सब स्वरूप की बात हम इस तरह से पकड़े और इस तरह से हम हमारे जीवन में उसको लागू करें, तो ये पात्र बनने में मुझे नहीं लगता है कि कोई देर लगेगी। गुणात्यान स्वामी का आशीर्वाद है। अगर तुलसी दवे को गुणात्यान स्वामी धड़ाक करके समाधि करके वापस लेके आते हैं, गुरुजी वो भरत में बोलते हैं वेंटिलेटर, मैं नहीं मिस्टेक करता हूँ, वेंटिलेटर कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर वो साइंस इतना पावरफुल है तो ये साइंस उससे अनंत गुणा पावरफुल है। ऐसा हमारा अद्भुत क्रिएशन, अद्भुत सृजन भगवान कर दे, वही प्रार्थना। बोलो सहजान स्वामी महाराज। जन्म्या कौशल देश वेश बटनों ले तीर्थ माही फरिया, रामानंद मल्या सुधर्म चल व्यो यज्ञा दि मोटा करया, मोटा दामर चारया गठपुरे बेदेश गादी करी, अंतर्धान थया नथी हरित में गुणा तिते छो प्रगट, जैनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जैनी ब्राह्मी स्थिति अहोलित करे सुव्यक्षर पदे, शरणागत निजल्प जीव सौनाश्रे आद तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हयु तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज, अक्षय पुरुषोत्तम महाराज, शास्त्री महाराज जय, योगी जी महाराज जय, गुरुवरी काका जी महाराज जय, प्रत्येक सामुदायिक मुक्तो। અહીં તમને બધાને જોઈને અને આ સભામાં જે બધી વાતો થઈ, પ્રસંગો સાંભળ્યા, હા, અને કાકાની એક જૂની વાત યાદ આવી, જે જૂના જોગીઓ છે જેમણે કાકાને સાંભળ્યા છે, કાકા અવારનવાર બોલતા, ખાસ કરીને 80 પછી, 20 વર્ષથી બાપાની દુકાન ચલાવીએ છીએ ને, 20 વર્ષથી બાપાની દુકાન ચલાવીએ છીએ ને, આ વાક્યનો ખૂબ વિચાર કર્યો ત્યાં એ કાકાને કંઈ એવું રેકગ્નિશન જોઈતું નહોતું આપણી પાસેથી, પણ
એ આપણે માટે બોલતા હતા કે તમે આપણી આ દુકાન ચલાવજો. હા, આજે આપણને એક કે ને એક આખી બધી વાતો સાંભળી અને એમ થાય કે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ભરતભાઈ, વશીભાઈ, તાદુનાભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ તો બહુ એક કે ને લૌકિક શબ્દ છે, પણ કાકાજી આ યુવકોને કેવા વર્ણીય થઈ ગયા એના આ તમે બધા સાક્ષી છો. એટલે અને તે શું એવી કોઈ રિગરસ સાધના કરી નથી આપણે કે આ ભાઈઓએ બી, પણ કાકાજીની ઢબે જેને કહીએ, હા, પાંચ ભેદમાં રહીને, હા, જે વશી માટે વાત સાંભળી કે બહેનો સાથે બી એવા ઉત્પ્રોતરે જગતમાં બી એટલું ઇન્વોલ્વ રહે, ઓફિસના કામમાં બી એટલા બધા એનગ્રોસ હોય, સત્સંગમાં બી આવે એટલે બસ આપણને એમ જ લાગે કે આપણા ભેરું આવી ગયા, સેવક આવી ગયા. ક્યાં એમનું ઓફિસનું સ્ટેટસ એ તો બધાએ વાત કરી. હા, બહુ અઘરી વસ્તુ છે. હા, હું એવું માનું છું કે એ કેળવાતું નથી, જેને પપ્પાજી શબ્દ વાપરતા હતા ઉપશમ ઐશ્વર્ય, હા, એ એમને સિદ્ધ કરાવી આપ્યું. હા, સિદ્ધ કરાવ્યું ના કહીએ, બક્ષીસ આપી દીધું. બધાએ વાત કરી કે કેટલું બધું ઓફિસમાં ઇન્વોલ્વ હોય, ઓફિસમાં એમને કેટલું સ્ટેટસ હોય, પણ એમને મળે કોઈ દિવસ કોઈ આ વાત નહીં સાંભળી હોય ત્યારે આજે આ ઓફિસમાં આટલું બધું લફડું હતું, આટલું બધું ટેન્શન હતું, આખો દિવસ કામ કરીને હું થાકી ગયો, આજે અમે સૂઈ જવું છે, કે એવું કોઈ દિવસ એ રીતે નહીં સાંભળ્યું હોય. આ આટલી મોટી જે ઉપલબ્ધિ થવી, હા, એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નહીં, અક્ષરના મુક્તનું આ લક્ષણ છે. હા, મેં કહ્યું એમ પાંચ ભેદમાં એ રીતે એ લોકો કામ કરે, સાથે કાકાજી એટલે બધા જ સમજે, સર્વદેશી પુરુષ. હા, કોઈ બી સેક્શનમાં જાય, અંતરમાં એટલું તો રહે જ, એ કાકાજીને અમે આ કહીશું ને એ કાકા તરત કરશે જ. કાકા આપણી વાતને સ્વીકારશે કે નહીં સ્વીકારે એનો એક આયોટા બી કોઈના મનમાં ના હોય. એ કાકાની એક આગવી વિશેષતા હતી, એ આ ભાઈઓમાં દેખાય. હા, બહુ શરૂઆતની વાત છે. એકવાર દિનકરભાઈ આવેલા, અમારે કંઈક વાત નીકળી, મેં દિનકરભાઈને કહ્યું કે આ તારડીના ભાઈઓ, હા, તારડીના ડેવલપમેન્ટની પર કોન્સન્ટ્રેશન આપવાને બદલે આપણે ત્યાં તો છાસ વાળે બધે સમયા થાય છે, હા, બધે જ ફરફર કર્યા કરે છે. દિનકરભાઈ એકદમ બોલ્યા, એ જ તો કાકાજી ના કે બધે જ ફર્યા કરે એ કાકાજીના. જો આ વાક્ય દિનકરભાઈનું બહુ માર્મિક છે. હા,
ભાઈઓ માટે તમે જોતા હશો, કાકાજી સાથે જે જોડાયેલા છે એ દરેક માટે જોતા હશો કે કોઈ બી જગ્યાએ કાંઈ બી સમયો હોય તો અનરિઝર્વેડલી આ બધા પહોંચી જ ગયા હોય. જેટલા ઉમંગથી અહીં પવઈનો સમય માટે તૈયારી કરે કે પહોંચી જાય એવી રીતે દરેક જગ્યાએ હોય. આ બધી ચીજો આપણા ધ્યાનમાં બી હોય છે. અત્યારે બધાએ વાત કરી પણ આપણે આ બધા દિલની સચ્ચાઈથી એ માર્ગે ચાલીએ. હું ઘણીવાર વાત કરું છું કે આપણે કેટલું ઘણીવાર બોલીએ છીએ, થાય એટલું કરીશું. આ તો બધા આપણને બધું બહુ પ્રેશર આપી દે, ભાઈ આપણે તો થાય એટલું કરીશું. મહાન સ્વામીએ એક વાત કરેલી મેં આમ કે કરીએ તો થાય, જો આખો ફરક પડી ગયો ને. આપણે બી જો આ વશીભાઈ ભરતભાઈ આ ભાઈઓની જેમ કરવા જ માંડીએ તો એ ઓટોમેટિક થઈ જશે. પણ ક્યાં તો આપણને કોઈ ગ્રંથિ છે કે આપણે કરવું નથી. સત્સંગ બી કરીએ છીએ પણ કાકા નહીં બોલતા કે તમારા જીવનમાં ભગવાન છે પણ તમે બી છો. ગુણાતાન સ્વામીએ એને જુદી રીતે વાત કરી કે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, અડધો જગતનો કરીએ છીએ, અડધો સત્સંગ કરીએ છીએ, સાધુનો કરીએ, અડધો સાધુનો સંગ કરીએ છીએ, અડધો જગતનો કરીએ છીએ. આ બધી બહુ ઝીણી ઝીણી વાતો છે જે આપણો વિકાસ થવા દેતા નથી. અહીંયા વશીભાઈ ભરતભાઈ એ બધાને જોઈએ, હા એ લોકોએ અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા આગળ રાખીને કે એને બાજુ પર એ નિષ્ઠાવાળા માટે જ એ લોકોની દોડધામ હોય છે, મારું કહેવાનું એ છે. હા જગતને માટે એ લોકોની એક ઉપેક્ષા વૃત્તિ જ છે. હા આ વાત કોઈ સંકુચિતતાની નથી. તમે વિચાર કરો જોગી મારા તો કેટલા ભલા સાધુ. હા પણ એમણે વાત કરી યોગી વાણીમાં બધા 37મા પાના પર કેમ કંઈક છે કે જેને અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા છે એ જ ભગત છે. હવે આ વાત જો બહાર મૂકીએ તો મને તમને યોગી વાણીને બધું પોટલા બાંધીને મૂકી આવે બહાર, પણ હકીકત છે અને વચનામૃતની સાખે છે આ વાત. હા કે જેને પ્રગટ સ્વરૂપની ઓળખાણ થઈ છે એ જ ભગત, વર્તાલના 19માં કહ્યું. અને સ્વરૂપનું પ્રગટપણું તો અક્ષર પુરુષોત્તમની અંદર જ છે, બીજે કોઈ જગ્યાએ મળશે જ નહીં. આજે કોઈ બી સંપ્રદાય, કોઈ બી સંસ્થા, કોઈ બી મઠ, કોઈ બી ધર્મ લઈ આવો, હા કે જ્યાં હાયરાર્કી કન્ટિન્યુઅસ અને કોન્સ્ટન્ટ રહી હોય સિવાય કે અક્ષર પુરુષોત્તમ. જો હવે આટલી સીધી સાદી વાત છે. હા હું તો જ્યારે પહેલી વાર વાંચીને મેં કહું આ બાપા બહુ બોલ્ડ કહેવાય, અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા છે તો જ ભગત, બાકી ગમે એટલા ટીલા ટપકા લઈને ઊભા આડા ટીલા ટપકા જે કંઈ કરતા કોઈ ભગત જ નહીં. હા એનાથી વિશેષ વાત અત્યારે મોદીજી લઈ મંડ્યા છે, દેશનો વિકાસ કરવો છે, દેશને આગળ લાવવો છે. આ યોગી વાણીમાં જ એક સૂત્ર છે, દેશને આગળ લાવવું હોય તો અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા કરાવો. આ મારી વાત નથી કરતો, આ યોગીજી મહારાજની વાત કરું છું જે વાંચીને તો મારું મગજ બી એક દિવસ તો ચૂક થઈ ગયું.
કે આ યાર કેવી વાત કે દેશને આગળ લાવવો હોય અક્ષર પુરુષોની નિષ્ઠા કરાવો કે હા મને એકવાર એમ થઈ ગયું કે ગમે એમ કરીને આ મોદીની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને એમને કહીએ કે તને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંબંધ છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દિલમાં બી તારું સ્થાન છે, તને એના પ્રત્યે આટલો બધો રિગાર્ડ છે, તો આ વસ્તુ પકડ. આ કેવી આ વસ્તુ એકદમ બેસેવી નથી. હા, ત્યારે એક નવી વાત કેવી કે આપણને આ બધી વાત ભલે અજુકતી લાગે પણ આપણને અંદર બેસી ગઈ છે, આ ગેર બેસી ગઈ છે. ત્યારે તો અહીં બેસીએ છીએ. હા, આ વશી ને બધા એ વાત બેઠી હશે તો આ રીતે વર્તા હશે ને. હા, એટલે કે ને આપણે પૂર્વના છીએ એટલે આ વાતની ગેર બેસી ગઈ છે એવો શબ્દ સ્વામીએ વાપર્યો છે. હા, એટલે આપણે કોઈ નવી વસ્તુ કાંઈ કરવાની છે જ નહીં. હા, આપણી નિષ્ઠા અક્ષય પુરુષોત્તમની પ્રગટ સ્વરૂપને આપણે માનતા જ આવ્યા છીએ. જ્યાં પ્રગટીકરણ છે એની અંદર મહારાજ આપણને ઓટોમેટિક જોડતા જાય છે. હા, આપણે ક્યાં સામેથી જોડાવા ગયા છે? હા, આજે હું જોઉં છું કાકાજી સાથે બી જે જોડાયેલા હતા ઓટોમેટિક આ બંને વચ્ચે એટલો બધો ભાવ દરેકને જાણે કે કાકાજીના કાકાજી જ મળ્યા. હા, એ કોણે કરાવી આપ્યું? હા, આપણું બધું કામ તો પ્રભુ કરતા હોય છે પણ આપણને વાતની સમજ હોતી નથી. એટલા ખાતર આપણે કહે છે ને કે આપણો યોગ યોગા ઓફ કોન્શિયસનેસ, એક જ કોન્શિયસનેસમાં આપણે રહેવા જેવું છે કે આપણે પ્રભુના પ્રભુ આપણા. હા, આ વશીભાઈના જન્મદિવસે ભરતભાઈએ આ એ ક્વોલિટીઝ ગણાવી એ બહુ ઊંચી વસ્તુ છે. જો કોઈ બી બુદ્ધિશાળી માણસ ભજનનો ને ધૂનનો ટોટલ આશરો નહીં લઈ શકે. વશી કંઈ થોડબોઠિયો તો છે નહીં, અંગૂઠા ટેક છે નહીં, હા, ગામડાનો ગમાર બી નથી. હા, મેસોનો ફાઇનાન્સ ડાયરેક્ટર ને કેવું ભેજું હશે, પણ એ બી જો કાંઈ બી બને અને ભજન કરીને એનો ઉકેલ લાવતા હોય તો આપણે તો આ રસ્તે એમને એમ જ ચાલ્યા જવા જેવું છે. કાંઈ અને આ સવારે આપણે આર્ટિકલ વાંચ્યો, હા, કાકાને તો આપણે જોયા જ છે કેટલો બધો વખત ધૂન કર્યા કરી. ઓહો, કાકાની ધૂનમાં બધા થાકી જતા. હા, પણ એ વિચાર કરીએ છીએ ને આપણે શું માનતા, કાકા આપણને શીખવવા માટે આ ધૂન કરતા હોઈ શકે આ એક આસ્પેક્ટ. હા, પણ એક સૂત્ર આપણે વાંચ્યું છે, પરોપકારાય સતામ વિભૂતયા. હા, સાધુ ખરેખરા હોય એની દરેક ક્રિયા પરોપકાર માટે હોય. કાકાની આ ધૂન પાછળ બી આખો પરોપકાર જ દેખાય. હા, આજે આપણે બધા જે આ ઉજળા છીએ, આપણે બધા જે ટકી રહ્યા છીએ, હા, એ આપણા હૈયું અંદરથી કબૂલ કરશે એ કાકા ધૂન કરી છે. પેલું આપણે કહીએ ને કે એક બાપ મિલકત મૂકી ગયો છે. હા હા, 150%. હા, પેલો બાપ મિલકત મૂકી ગયો છે એના પર બધા આપણે તાગડધી ના કરીએ. હા, એ વ્યાજ ખાઈએ છે. હજી મુદ્દલ તો કેટલું પડ્યું છે આપણી પાસે. એટલે આપણે તો આ વશીભાઈ, ભરતભાઈ, આ રાજુભાઈ, તારદેવના જે ભાઈઓ, હા, બસ એની પાછળ પાછળ જીલંબે કર્યા, જીલંબે પેલો કે ને, હા, હો હો ધક્કો મારે ત્યારે. હા, એટલું કરતા રહીએ એનું મહારાજ બળ આપે એટલી પ્રાર્થના. સહજાન સાહેબ મહારાજની જય. ગુરુજી કી યે ભાવના થી દિલ્હી મેં હર 7 તારીખ કો જો ખાના દિયા જાતા હૈ ઉસમે પરાઠા બનાતે. પરાઠા મતલબ વો પરાઠા નહીં, અપના ચોપડા, ગુજરાતી પરોઠા ચોપડા. અભી ઉન્હોને વાલા એક એક ભાભી કો 20 ચોપડા બનાના હૈ ઓર આપકો દેના હૈ.
बट गुरुजी ने थोड़ा आपको इजी कर दिया कि भाई चलो आप बहुत बिजी रहते हो, करेंगे नहीं तो चोपड़ा या तो पराठा यहाँ बना लेंगे। हाँ यहाँ की बोलता हूँ, दिल्ली वाले ने तो अपना काम कर दिया, तो यहाँ की भाभियों को गुरुजी ने कैश डाउन कर दिया कि आपको वो चोपड़ा नहीं बनाना है, पर चोपड़ा पर पराठा 5 रुपया, यानी 20 पराठा का 100 रुपया मिनिमम आपको एक्स्ट्रा देना है। तो मालूम नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले ने जो जमा करके 21,600 रुपया जमा किया है, तो नाउ द बॉल लाइज इन योर कोर्ट, अवर कोर्ट, भाभीज कोर्ट। तो आपको 20 पराठा देना है, 1 पराठे का 5 रुपया, 100 रुपया आप अश्विन भाई को दे देना, या तो अश्विन भाई जिसको डेजिग्नेट करे उनको आप दे देना। खास करके बम्बई की भाभी मंडल को यह प्रार्थना है कि 20 पराठा × 5 100 रुपीस मिनिमम। गुरुजी परसों जा रहे हैं तो कल ये कार्यक्रम, आज ही कार्यक्रम हो जाना चाहिए। तो ये एक खास प्रार्थना और अनाउंसमेंट था, थैंक यू वेरी मच। घाटकोपर मंडल से पधारे सेठिया भाई और मंडल को प्रार्थना है कि वे वशी भाई को पुष्पगुच्छ अर्पण करें। विराज भाई वैष्णव है, उन्होंने अपने भाव के वशी भाई के लिए एक शाल लाई है, तो मैं विराज भाई से प्रार्थना करूंगा कि वे शाल वशी भाई को अर्पण करें। बाकी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपने पर्सनल गिफ्ट जो है वो सभा का सेशन पूरा होने के बाद वशी भाई को दे। परमभक्त गिरीश भाई से प्रार्थना है कि वे हमें आभार विधि करें और इस सभा को विसर्जित करें। सबको जय स्वामीनारायण। सहजान साईं महाराज की जय, गुणातिरान साईं महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, सर्वे गुणातीत स्वरूपों की जय। काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेल्ट्री शताब्दी महोत्सव की जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद साईं महाराज, हीरक दीक्षा महोत्सव की जय। परम पूज्य जसभाई साहेब, संत प्रीति आज्ञा सुरदम महोत्सव की जय। आज के वशी भाई के प्रागट्य दिन की जय जय जय। अश्विन भाई ने मैसेज दिया है कि अभी जो अनाउंसमेंट हुआ कि भाभी मिनिमम 100 रुपीस या उससे जो भी ज़्यादा कर सकते हो, तो जो हमारी यंग भाभियाँ हैं, प्रीति बहन लाड़, प्रिया बहन लाड़, पिंकी बहन ठक्कर, दीपाली बहन वाघ, इनको आप सेवा दे देना जो अश्विन भाई को पहुंचा देंगी। वोट ऑफ थैंक्स। थैंक्स तो किसको कहना, सभी कुटुंबीजनों हाजिर हैं, फिर भी भगवान स्वामीनारायण प्रकट गुणातीत स्वरूपों और प्रत्यक्ष गुणातीत स्वरूपों के रूप में गुरुजी साकादा से पधारे हुए गुरुजी ब्रह्मानंद स्वामी, भरत भाई, वशी भाई, आनंदी दीदी, सकुबेन बकुबेन, ज्योत से पधारे हुए सभी बहनों, सभी ने यहाँ आप आकर हमें जो आशीर्वाद और दर्शन के लाभ दिए,
उनके बदल उनके खूब खूब हम आभारी हैं। उसी तरह गुरुजी ने जो बात की अभी जो थेपला की, उसके लिए भी भरत वशी भाई, हाँ गुरुजी क्या आभारी होगी। साकरदा से अक्षय बिहारी स्वामी जी पधारने वाले थे, लेकिन उनकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, इसके लिए नहीं आ सके हैं। लेकिन निष्काम जीवन स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी को भेजकर आशीर्वाद उनके भेजे, उसलिए अक्षय बिहारी स्वामी जी के भी हम खूब खूब आदरणीय हैं। ज़्यादा तो हम जो बताना चाहता है आज कि ये पूरा फंक्शन यूथ्स ने मैनेज किया, और ये यूथ ने टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर मैनेज किया। उनको कहा गया था कि 6 से 9:30 के अंदर फंक्शन पूरा होना चाहिए, और उनको वशी भाई और भरत भाई ने जो आउटलाइन उन लोग ने बनाई थी, वो सैंक्शन की थी, उसके हिसाब से बरोबर 9:30 के पहले पूरी सभा जो इन लोग ने आयोजन किया, जो जो वक्ता यूथ के रूप में यहाँ पे आए, उन्होंने जो जो बात की उसके मैं गौर से सुन रहा था। उसके अंदर से मैंने नोट किया कि जो जो यूथ ने बात की वो अनायास वो जो गुण बताए वो गुण मैंने वशी भाई के नाम के साथ टैली किए। जैसे कि वशी भाई का अल्फाबेट है VASHI वशी, तो V स्टैंड्स फॉर वाणी वर्तन विचार विचरण। जो हम जो कहते हैं कि हमें काका जी पप्पा जी की शताब्दी मनानी है, तो उसके लिए पहला टारगेट जो भरत भाई ने दिया है कि हमारे वाणी वर्तन विचार और विचरण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वाणी मिठास भरी होनी चाहिए, जो भरत भाई पहले से इंसिस्ट करता है वो बात आई। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से बंधु बेलडी शताब्दी महोत्सव बनाना है। एस, जैसे ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया कि अक्षय बिहारी स्वामी जी ने मैसेज दिया है सम सुरत भाव एकता, तो एस स्टैंड्स फॉर सम सुरत भाव एकता से हमें बंधु बेलडी शताब्दी महोत्सव मनाना है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि सभी हमें मिले हुए गुणातीत संतों प्रयत्नशील है, और हमें उसमें ये लाइट फेंक फेंक के अंदर टोटल इन्वॉल्व होने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको हम पकड़े। एच, एच स्टैंड फॉर हम्बलनेस, हास्य दूसरा वर्ड बताया हास्य। हम देखते हैं वशी भाई हमेशा हंसते ही रहते हैं और सभी को भी हंसने की वो कहते हैं, और हम्बल से हम्बल है जो स्वामी जी कहते हैं वैसे दासनाथ दास, तो हमें भी वो दास का दास गुण अपना के हंसते रह के शताब्दी महोत्सव मनाना है। और आए, जब गुरु जी कह रहे थे कि मुझे काका जी की जूनी बात याद आ गई करके, तो आई का मेरे को मीनिंग नहीं मिल रहा था, तो तभी एकदम मेरे को आई का मीनिंग मिला। आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र? तो काका जी कहते थे जो मारो कॉल भगवान ने लागे छे तो तमारो केम न लागे, तो इन लोग हमें वैसे तैयार करना चाहते हैं कि हम भी भगवान के साथ इंडिपेंडेंटली बात करते जाएं, बात करने के काबिल हो जाएं। ये इनका जो दाखड़ा है वो दाखड़ा हम सफल बनाएं, और ये साफड़ा बनाने के लिए हम सभी हाजिर गुणातीत स्वरूपों काका जी पप्पा जी स्वामी जी साहब अक्षय भाई स्वामी जी दिनकर अंकल गुरु जी भरत भाई वशी भाई अभी सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है, तो अवश्य प्रार्थना स्वीकारना। सहजान साई महाराज नी जय।